हरे कृष्णा। तो आप सबका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है और आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा कि किस तरह से मन एक बंदर के समान है और वह हमें एक गधा बना देता है। तो वहाँ पे वो मन है और मन हमारे ऊपर बैठा हुआ है, तो मन एक बंदर रूपी हमको गधा बना सकता है। तो मैं इसका इस प्रवचन का शुरुआत एक प्रसंग से करूँगा। मैं जब लगभग 10-11 साल का था तभी मुझे एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी रुचि थी। तो मेरा खुद का एक टेलीस्कोप था और टेलीस्कोप में हमारे घर के टेरेस पे जाके तारों को देखा करता था और उस समय एक ग्रहण होने वाला था। तो वो ग्रहण का बहुत उत्साह से मैं और मेरे कुछ और मित्र थे कि वैसे ही रुचि थी, तो हम सब उसका उसकी अपेक्षा कर रहे थे। और जब वो ग्रहण का समय आ गया था, हमने सारे अपने टेलीस्कोप लगाए थे, तैयार करके रखा था और फिर मैं देख रहा था। और तभी जब मैं देख रहा था बड़े उत्कंठा से इंतज़ार कर रहा था, पर तभी मन में कुछ विचार आ गया। और फिर बाद में मेरे मित्र बोला कितना सुंदर था वो ग्रहण, और तब मैंने देखा कि वो ग्रहण ख़त्म हो रहा था। और फिर तभी एक तो गुस्सा आ गया, कैसे मैं ध्यान चला गया और मैंने ये ग्रहण को देखा ही नहीं। पर उसके बाद में मेरे मन में विचार आया कि वो बाहर इतना आकर्षक सुंदर ग्रहण है जिसमें मुझे भी रुचि है देखने में, पर ये अंदर मन में ये क्या शक्ति है कि हमारे विचार हमको इस तरह से खींच सकते हैं कि बाहर जो भी आकर्षक है वो भी हमको दिखता नहीं है। तो ये मन वास्तव में है क्या और ये कैसे कार्य करता है, कैसे हमारी चेतना को ये खींच लेता है। तो तब से वो सवाल मेरे मन में आते थे और मैं मन को समझने का प्रयास करता था। अभी जो मन है उसके बारे में हम दो प्रधान रूप से गुण देखेंगे, कैसे वो बंदर के समान चंचल है और कैसे वो हमको किसी एक चीज़ के पीछे लगा देता है तो गधे जैसा मेहनत करने लगा देता है। तो सबसे पहले ये मन वास्तव में है क्या। अभी अलग अलग लोगों की अलग अलग परिभाषा है मन के बारे में, इसे बता रहे थे परिचय में। मैं भी कुछ समय पहले स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, तो तभी वहाँ पे एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर आए थे, वो लेक्चर सुनते उसके बाद में उनसे बात कर रहा था। तो वो बता रहे थे कि कैसे इतिहास में पहले साइकोलॉजी, लोगोस का अर्थ किसी को पता है, लॉजी जब भी आता है वो उसका होता है अभ्यास या विषय, उस विषय का अभ्यास, द स्टडी ऑफ, लोगोलॉजी स्टडी, साइकी मतलब क्या है, मन, तो द स्टडी ऑफ द माइंड, मन का अभ्यास। पर जैसे विज्ञान का प्रभाव और बढ़ने लग गया और लोग विज्ञान की दृष्टि से देखने लग गए कि हमारे शरीर में हमारा मन कहाँ है, यहाँ पे हृदय, यहाँ पे हृदय है, यहाँ पे फेफड़ा है, यहाँ पे दिमाग है, पर मन कहाँ है। तो मन, हम शरीर को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, सीटी स्कैन से देखेंगे, कहीं से भी देखेंगे उसमें मन नहीं दिखता है। तो इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि अगर मनोविज्ञान ये वैज्ञानिक होना चाहिए तो वो जिस वस्तु का अध्ययन कर रहा है वह भी वैज्ञानिक होनी चाहिए, पर मन जो है वो वैज्ञानिक दृष्टि से हमको दिखता ही नहीं है, इसीलिए हम मन का अस्तित्व को मानते ही नहीं है। और फिर क्या हो गया, उन्होंने कुछ लोगों ने प्रतिपादन किया है कि जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी उसका नाम ही है, वो मन का अध्ययन नहीं है, वो मानव बर्ताव का अध्ययन है, द स्टडी ऑफ बिहेवियर, कि बर्ताव हम देख सकते हैं। तो भले ही हम मन के अस्तित्व को न माने, मन का अस्तित्व तो रहता ही है और मन हम सबको गुमराह कर देता है। आप सब में से कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि आप पढ़ाई करने को बैठते हो किताब लेके और 10-15 मिनट बैठते हो, फिर बाद में देखते हो कि वही पेज पढ़ रहे हो, कुछ ध्यान में गया ही नहीं है, किसी का अनुभव है ऐसे? और कभी कभी आप मूवीज में देखते होगे क्या होता है, कोई व्यक्ति ऐसे दिखाया जाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ और फिर
दिखाया जाता है पर उनका ध्यान कहीं और है, फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है आप किताब उल्टा पकड़ा हुआ है आपने। तो क्या होता है, मतलब जो मन है, हमारी आंखें यहाँ पे है, हमारा वो चीज़ यहाँ पे है, पर हम जो देखते हैं केवल हमारी आंखों से नहीं देखते हैं, हमारा मन वहाँ पे होना चाहिए। तो मन ये क्या है, यह अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो अलग 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 थियोरीज है उसके, पर उसको एक स्पष्ट रूप से समझने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि विज्ञान जो दिखती है उन चीज़ों से शुरुआत होता है और फिर मन दिखता नहीं है हमको। तो जो भगवद गीता है वो एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, वो हमको बताता है कि मन वास्तव में क्या है। और भगवद्गीता का जो मॉडल है हमारे ह्यूमन पर्सनालिटी का, मानव के व्यक्तित्व का, वह हमें अच्छी तरह से खुद कैसे जीना है ये समझा सकता है। भगवद्गीता कहता है कि हमारा जो अस्तित्व है तीन स्तर पे है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो आत्मा, मन और शरीर, ये तीन चीज़ें, अब ये सबको मिलके अभी हम बनते हैं। और इसके उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जो है एक हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और यूज़र होता है। तो जो हार्डवेयर वो है किसके समान, शरीर के समान, सॉफ्टवेयर मन के समान, और जो आत्मा है वो यूज़र के समान। यस, तो अभी क्या है, जो आध्यात्मिक स्तर, जो आध्यात्मिक स्तर पे जब हम खुद को समझते हैं तो सिर्फ मैं आत्मा हूँ ये समझना ज़रूरी नहीं है, वो समझना ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ आत्मा किस तरह से शरीर में अभी नियुक्त हुआ है वह समझना भी ज़रूरी है। तो अभी जो है, मैं इसे बताता हूँ, आप मैं उस दिन वो ग्रह देखने का ग्रहण और ग्रह ग्रहण देखने का प्रयास कर रहा था उस समय, एक्लिप्स। तो तभी क्या हुआ था, मेरी आंखें यहाँ पे थी, वो ग्रहण वहाँ पे था, पर वो दिखा नहीं। क्योंकि क्या हुआ, जब हम देखते हैं तो तीन चीज़ें साथ में आनी चाहिए, जो है आत्मा, मन और आंखें। ये तीनों जब साथ में आती है तो ही बाहर की चीज़ हमको दिखती है। आंखें बंद हो गए तो बाहर की चीज़ें क्या है दिखेगी नहीं। अगर व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, आत्मा नहीं है, तो आंखें खुले भी होगी तो कुछ देख नहीं रहा होगा। तो आत्मा चाहिए, आंखें भी चाहिए, पर उसके साथ साथ क्या है, मन भी चाहिए। अगर मन वहाँ पे नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है, तो हम क्या होगा, वो हमारे आँखों से रोशनी जो आएगी, वो किरण आएगी, वो जानकारी आएगी, पर हम तक पहुँचेगी नहीं। तो इसमें इसका मतलब मन क्या है, ये मन अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के समान है वो। और कैसे है, मन दो पद्धति से कार्य करता है। एक है, मैं अमेरिका में, कैलिफोर्निया में था, एक भक्त के घर में, बड़ा घर था, और वहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो उनका घर था, बाजू में एक खिड़की थी, बाजू में ऐसे कांच का कुछ, ऐसे यहाँ पे पीछे जैसे कांच का है, यहाँ से रोशनी आती है, ऐसे कुछ बड़ा था वो। तो क्या था मुझे समझ में आता, पहले लगा था खिड़की है वो, और फिर खिड़की लग रहा था क्योंकि वहाँ से हमको बाहर जो अच्छी ग्रीनरी थी, कुछ झाड़ियाँ थी, कुछ आसमान था, वो दिख रहा था। उसे बात कर रहा था और अचानक मैं देखा कि वो खिड़की से एक बड़ा गोरिल्ला आ रहा था और तेज़ी से आ रहा था। शायद आपने प्लैनेट ऑफ द एप्स या ऐसे कोई मूवी देखा होगा, उसे बड़ा गोरिल्ला था और वो तेज़ी से आते जा रहा था, और जो एप था ये इस तरह से आ रहा था, और फिर आके उसने अपना हाथ उठा लिया और ज़ोर से वो कांच को तोड़ के भी अंदर आने वाला था। तो वो देखा तो मैं सहम गया, फिर मैंने ये मित्र था उनके, वो देखा और वो थोड़ा हंस रहा था, क्या हुआ। फिर मैंने देखा वापस कि हाथ में कुछ था, और हाथ में क्या था देखा तो हाथ में रिमोट था, और फिर रिमोट दबाया और वो जो गोरिल्ला गायब हो गया। बोला क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा तो क्या था, वो जो उन्होंने खिड़की इस तरह से बनाई है कि वो एक समय खिड़की के रूप में कार्य करेगी और दूसरे समय वो आईना के रूप में कार्य करेगी, नहीं वो टीवी के रूप में कार्य करेगी, और एक बटन दबाएंगे तो फिर क्या है, वो खिड़की से कार्य करेगी, दूसरा बटन दबाएंगे तो वो टीवी बन जाएगा। और फिर सिर्फ मनोरंजन के लिए उन्होंने क्या किया था,
जो वही पार्श्वभूमि है जो खिड़की से दिखती है, उसी पार्श्वभूमि को रखते हुए उन्होंने एक एनिमेटेड मूवी बना दिया था जिसमें वो गोरिल्ला आ जाता है। और अभी उनको पता था क्या है, ये सिर्फ टीवी के समान दिख रहा है, पर जिसको पता नहीं होता है उसको लगता है बाप रे ये गोरिल्ला आ गया, व्यक्ति डर जाएगा। तो हमारा मन भी वैसे ही होता है। अभी मन साधारणतया काम करने के लिए, उसको हमें कुछ काम करना है सकारात्मक से, तो मन एक खिड़की के रूप में कार्य करना चाहिए। आप आत्मा अंदर हो यहाँ पे, फिर मन यहाँ पे है, आँखें यहाँ पे, तो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, तो मन खिड़की के समान कार्य कर रहा है। पर किसी भी पल एकाएक मन खिड़की से टीवी बन जाता है, और जैसे ही वो टीवी बन जाता है, अरे इसने ऐसे बोला था, वो ऐसे वहाँ पे हुआ था, वो मैंने उस दिन वो देखा था, अरे ये ऐसे हुआ है, और ये कब टीवी बन जाता है हमको पता ही नहीं चलता है, और जो वहाँ पे दिख रहा है वो देखने लगते हैं, और न केवल वो देखने लगते हैं, उसको देखने में इतना लग जाते हैं कि हम भूल जाते हैं हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। और अभी कुछ लोगों को हम पागल कहते हैं। अभी पागल लोग मतलब क्या होते हैं, ऐसे मैं एक न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क के पास न्यू जर्सी है, वहाँ पे जो मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, जो लोग अभी मेंटल हेल्थ केयर सेंटर, इसको अगर आपको हिंदी में बोलना है तो आप उसको कह सकते हैं पागल खाना पर वैसे नहीं है वो, वहाँ पे बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। और एक व्यक्ति था वो उस मेंटल हेल्थ केयर सेंटर में, वह वास्तव में उसने आईवी लीग, जैसे भारत में IIT होते हैं वैसे अमेरिका में आईवी लीग होते हैं, प्रिंसटन, येल, स्टैनफर्ड, सब हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, ये सब टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो अमेरिका के हैं, तो उसमें से एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट किया था। पर वहाँ पे वो, उसका मन इतना अस्थिर हो गया था कि वहाँ पे वो एडमिट हो गया था। तो जब ये पागल लोग होते हैं जिनको हम पागल कहते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके लिए जो मन दिखा रहा होता है टीवी पे, वो असलियत से ज़्यादा असली लगने लगता है, असलियत से उनको ज़्यादा असली लगने लगता है। और फिर क्या करते हैं, उनका सारा जीवन वो जो टीवी में दिख रहा है उससे ही आदान प्रदान करने में, उसका ही सामना करने में, उसमें ही उनका सारा जीवन चल जाता है। और फिर असली जीवन जो है उसका सामना करने के लिए उनके पास कुछ शक्ति, कुछ बुद्धि, कुछ ध्यान रहता ही नहीं है। तो इसलिए अगर इस पर ये परिभाषा समझेंगे हम, तो क्या है, पागलपन ये केवल एक ऐसी दशा नहीं है, एक पागलपन एक स्लोप है। इसे सब लोग, अलग अलग लोग ये पागलपन के स्लोप पे अलग अलग स्तर पे हो सकते हैं। अभी कुछ महीनों में क्रिकेट वर्ल्ड कप आ रहा है, तो सारे भारत में क्रिकेट का नशा चढ़ जाता है। तो अगर आप गाड़ी में कहीं जा रहे हैं और वो देखते हैं, तो कुछ युवक होते हैं वो हाथ से बॉलिंग कर रहे होते, कोई बैटिंग कर रहा होता है, रस्ते में चल रहे होते और कल्पना कर रहे हैं, मैं विराट कोहली हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और फिर क्या होता है उसमें, अभी वो रस्ते पे चल रहे हैं, पर क्या है, उनके मन में टीवी चल रहा है, मन एक टीवी के रूप में चल रहा है, और वो अभी उनका हाथ पैर भी कैसे हिल रहा है, वो जहाँ पे है उसके आधार पे नहीं हिल रहा है, वो मन में जो टीवी दिख रहा है उसके आधार पे हिल रहा है। तो अभी कोई अगर कि कोई भारत में पहली बार आएगा, ये क्या कर रहे हैं लोग, हम भारतीय, हम के लिए नॉर्मल, हमारे लिए नॉर्मल है ये, हाँ लोग करते हैं ऐसे। पर अगर हम एक एनालिटिकल विश्लेषण के रूप से देखते हैं, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, उसके सामने कुछ भी नहीं है, बैट नहीं है, बॉल है, क्या हाथ घुमा रहा है ऐसे। तो जो हमारा मन होता है, यह किसी भी पल वो एक खिड़की से टीवी का रूपांतरित हो जा सकता है, और जैसे ही वो टीवी में रूपांतरित हो जाता है, तो उस टीवी पे ऐसे नहीं है कि एक चैनल है। अभी कुछ पहले, चाहे 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, दूरदर्शन एक ही चैनल था, अभी कितने चैनल्स हैं, इतने हैं तो उनका नाम, उनकी संख्या भी पता नहीं होगी हमको, और कितने चैनल्स है उससे फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि क्या है, आजकल इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे तो हम जहाँ से चाहे जो भी देख सकते हैं। तो क्या है, वैसे हमारा मन है वो ऐसा टीवी नहीं जिसमें एक चैनल है, वो ऐसा टीवी है उसमें अनेक चैनल है। और न केवल मन खिड़की से टीवी बन जाता है, पर टीवी का चैनल भी बदलते रहता है, एक से एक से एक से एक से एक से। तो कुछ लोग होते हैं वो अपने मन में ही खो जाते हैं पूरा,
और इस तरह से जो खो जाते हैं तो उसको हम एब्सेंट माइंडेड कहते हैं. तो एब्सेंट माइंडेड मतलब नॉट दैट द माइंड इज एब्सेंट, इट्स रादर द माइंड इज प्रेजेंट एंड वी आर प्रेजेंट विद द माइंड नॉट विद द बॉडी. हम जो है हमारी चेतना है वह शरीर के साथ नहीं है, वो आत्मा वो मन के साथ चली गई है, घूम गई है. तो जब ऐसे होता है तो ये मन पे एक चित्र आता है, दूसरा चित्र आता है, एक अकेला चित्र ही नहीं आता, कभी कभी पूरा पिक्चर भी मूवी भी आने लगता है उसमें. इसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, वो वैसे हुआ, वो वैसे हुआ. और इस तरह से जब हम मन में फंस जाते हैं तो जैसे बंदर होता है, गोहेड आगे जाइए, हाँ, तो जैसे बंदर एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे हमेशा कूदते रहता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ. तो उसी तरह से हमारा जो मन है इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर भटकते रहता है. और क्या है, अभी ये चित्र दिखता है, अभी ये विचार दिखा, अभी उसने वो ऐसे किया था, अभी ये भावना, अभी ये इच्छा, हमेशा आते रहता है. अभी वो जो प्रसंग बताया मैंने जो कैलिफोर्निया में हुआ था, मैं यहाँ पर बैठा था, वो यहाँ पर बैठा था, हम दोनों वही चीज़ देख रहे थे. पर वो चीज़ देख के मैं सहम गया, वो सहम नहीं गया, उसको कुछ नहीं हुआ. क्यों, से फर्क क्यों था? वो सावध था, ठीक है, सावध बात सही है, पर उसके साथ साथ हाँ उसको जानकारी थी. क्या जानकारी थी? कि ये काल्पनिक है, ये जो चित्र है ये खिड़की के बाहर का नहीं दिखा रहा है, ये टीवी के रूप में कार्य कर रहा है. तो उसी तरह से हम जो आज प्रवचन देख रहे हैं कि वो जो मैं जिस भूमिका में था कि मन को जो जो दिख रहा है उसको सही मानना, और मित्र जिस भूमिका में था जो दिख रहा है उसको वो सही नहीं है समझना, हम इस जगह से इस जगह पे कैसे जा सकते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे. कि जब मन टीवी के रूप में कुछ दिखाने लगता है तो फिर उसके साथ वो टीवी शो देखने की जगह पर समझ जाना, अच्छा ये टीवी चल रहा है, रुक जाओ, इसको देखना ज़रूरी नहीं है, इसको मैं बंद पॉज कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, या इसको अगर हम बंद भी नहीं कर सकते हैं, अभी अगर हम टीवी अगर हम कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, उसमें कोई वेबसाइट पे कुछ मूवी चल रहा है, तो अगर हम उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, वह है छोटा कर दो और दूसरा कोई फाइल खोल के मैं ये पढ़ना है, मुझे ये कुछ काम करना है. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम समझ जाते हैं कि अभी ये मन टीवी के समान काम कर रहा है तो फिर हम उस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, उसको मिनिमाइज़ कर देंगे, और फिर मिनिमाइज़ करके छोटा करके फिर हम दूसरी ओर ध्यान दे सकते हैं. तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि मन किस तरह से कार्य करता है. तो बंदर की उपमा जो है ये इसलिए है कि बंदर कभी शांत रूप से बैठता नहीं, बहुत कम बैठता है, इधर से उधर से उधर से उधर कूदते रहता है. और बंदर में जितनी शक्ति है उससे ज़्यादा इधर उधर कूदने की शक्ति जो है हमारे मन में है. अभी बंदर तो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है. अभी कुछ समय एक दो हफ्ते दो ढाई हफ्ते पहले मैं वृंदावन में था, तो वृंदावन में अभी कुछ जगह पे बंदर है, और कुछ जगह पे जो बंदर होते हैं वो बड़े शांत होते हैं. मथुरा में जाते हैं तो बंदर है शांत होते हैं, पर वृंदावन में आते हैं तो बंदर वहाँ पे होते हैं, वो अगर आ गए वहाँ पे तो फिर क्या होता है, वो चश्मा खींच लेते हैं, कुछ आपके पर्स है खींच लेते हैं, या आपका कुछ वॉलेट है आपके हाथ में जो भी है वो खींच लेते हैं. तो फिर वो जब ऐसे बंदर होते हैं तो सबको चौंकाना रहना पड़ता है, क्या हो रहा है, कहीं से बंदर आ जाए तो चश्मा निकाल दो बोलते हैं. अभी बंदर तो चश्मा पहनने वाले नहीं है, उनको चश्मा क्यों चाहिए. तो क्या है, हम बता रहे थे कि वो जो है कि ऐसे हम लोग कहते हैं ये बंदर, हम यहाँ पे काम करने हमारा काम कुछ देखने आए हैं, बंदर के बीच में आ रहे हैं. तो वास्तव में बंदर हमारे इलाके में नहीं आ रहे, हम बंदरों के इलाके में चले गए. इसलिए अभी वो क्या करते हैं, जो मथुरा में जो लोग बंदरों को काफ़ी कुछ खिला देते हैं तो फिर बंदर वो हिंसक नहीं बन जाते, पर वृंदावन में थोड़े और हिंसक है वो, पर हिंसक नहीं है, पर छीन लेते हैं और फिर कुछ उनको मांगते हैं, उनको केला दो, कुछ खाने को दो, फिर वो जो चीज़ है वो लौटा देते हैं. पर उसमें क्या है कि बंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है. हम कहीं अखबार में सुनते बंदर ने किसी को खा लिया जो शेर खा सकता है, कोई जानवर खा सकता है, पर बंदर खाता नहीं है. पर जो मन है
वो ऐसा बंदर है वो हमारी पूरी चेतना को भक्षण कर लेता है. और जब मन चेतना को भक्षण कर लेता है तो उससे क्या होता है, वो चेतना पूरी उसी चीज़ में लग जाती है. और कैसे है कि अगर कोई जानवर शेर किसी हिरण को खा लेता है तो हिरण का अस्तित्व नहीं रहता है, पर मन जब अपनी हमारी चेतना को खा लेता है तो हमारा अस्तित्व रहता है, पर फिर उसके बाद में हम वो मन का गुलाम बन जाते हैं. वो है कि मन कल्पना करता है कि अरे इस चीज़ में बहुत सुख है, इस चीज़ में बहुत सुख है, इस चीज़ में बहुत सुख है, ये देखो, ये खाओ, ये इसको स्पर्श करो, इसको ये करो, इसको ये करो. तो मन कल्पना करता है इसमें बहुत सुख है, पर जो सुख होता है वास्तव में वह कल्पना में ज़्यादा होता है. वो वास्तव में अनुभव करते हैं तो उसमें कुछ इतना सुख नहीं होता है. कुछ समय के लिए आता है सुख और चले जाता है वो. क्योंकि क्या है, इस भौतिक जगत में जो भी चीज़ें सुख देती है वो क्षणिक होती है. और यह हर चीज़ की दृष्टि से देखते हैं, देख सकते हैं. अगर कोई कहता है कि मुझे, मैं अभी कुछ समय पहले दो ढाई साल पहले कनाडा में गया था, तो हम नायग्रा फॉल्स के पास गए थे. वहीं पे मेरा एक क्लास था, तो कुछ युवक थे उनको हम वहाँ पे ले गए थे. तो नायग्रा फॉल्स अभी सारे विश्व में एक प्रसिद्ध जगह है, सब लोग देखे जाते हैं. तो वहाँ पे जाते हैं तो फिर मैं देख रहा था वहाँ पे लोग नायग्रा फॉल्स को देख रहे थे, और अधिकांश लोग नायग्रा फॉल्स को नहीं देख रहे थे. वो क्या कर रहे थे, वो सेल्फी ले रहे थे ताकि दूसरों को दिखा सके कि मैं नायग्रा फॉल्स गया था. तो क्या है, अभी नायग्रा फॉल्स सुंदर है और देखने भी अच्छा है, पर कुछ समय के लिए देखो, बाद में क्या करेंगे. कलाकार है, कुछ कला करना चाहता है तो ठीक है, पर एक दो तीन मिनट पाँच मिनट देख लिया तो उसके बाद में अभी और क्या करना है, अभी क्या करना है, दूसरों को दिखाना है. तो जो है वो भौतिक, कोई मन को इच्छा होती है मुझे देखना है, ये देखना है, ये देखना है, पर क्या होता है, मन कल्पना करता है कि इसमें बहुत सुख है, पर जब वो चीज़ मिल जाती है तो बोलता है अभी आगे क्या करना है. जो अभी मेरे एक मित्र है वो द साइक वो डिग्री कर रहे हैं अमेरिका में है ऑन द साइकोलॉजी ऑफ एडवर्टाइजिंग, कि जो विज्ञापन होते हैं उसमें मनोविज्ञान का कैसे इस्तेमाल होता है. तो वो बता रहे थे मुझे कि जब वो टीवी का रिसर्च करते हैं तो जब लोग टीवी देखते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान लोग कब देते हैं, कोई हमें बोले कि जब कोई कार्यक्रम चल रहा है उसके ध्यान देते हैं, बोले नहीं, जब एक चैनल से दूसरे चैनल सर्फिंग कर रहे होते हैं. और वो भी ऐसे कुछ ऑटो सर्फ होता है, फास्ट सर्फ, ठीक है, कार्यक्रम ये कार्यक्रम ठक 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 जाते रहो. तो जब ऐसे सर्फिंग हो रहा होता है तभी लोग ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या होता है वो कहीं ना कहीं तो कुछ तो मनोरंजक मिल जाएगा. ये देख रहा है इतना मनोरंजक नहीं है, ये देख रहा है इतना मनोरंजक नहीं है, ये देख रहा है इतना मनोरंजक नहीं है. मैं एक भक्त के घर में गए थे, तो उनके घर में एक ऐसा टीवी था, सब बड़ा टीवी, उसमें चार स्क्रीन थे. मैं बोले चार स्क्रीन क्यों है आपके पास. वो बता रहे थे कि क्या है, मेरे बच्चे हैं, मेरे रिश्तेदार है, वो अभी तक उनके भक्त नहीं, बोले थे एक टीवी देखते देखते बोर हो जाते तो चार प्रोग्राम, चार टीवी पे चार चैनल. तो मैं बोले क्या चार चार लोग देखते हैं, नहीं नहीं, वो बोले वो बहुत काफ़ी अमीर है, तो उनके चार कमरों में चार टीवी है, हर टीवी पे चार चार चैनल जाते हैं. तो हर एक व्यक्ति क्या है, एक चैनल देख के बोर होगा, दूसरा देखो, तीसरा देखो, चौथा देखो, और हज़ार चैनल हो सकते हैं, पर मन अपेक्षा, अरे उस चैनल पे कुछ अच्छा होगा, उस चैनल पे कुछ अच्छा होगा, उस चैनल पे कुछ अच्छा होगा, और कुछ अच्छा होगा भी कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, बाद में चलो क्या होता है, कुछ और देखो, कुछ और देखो. तो ये जो है मन का जो भोग होता है, मन की कोई इच्छा, अच्छा बंदर सब कैसे मान लेता है, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, पर कोई भी चीज़ क्यों ना हो वो सुख कुछ समय के लिए रहता है, बाद में चला जाता है. तो मन क्या होता है, उसके बाद में उतावल हो जाता है, मुझे और कुछ मिलेगा, और कुछ मिलेगा, और कुछ मिलेगा. तो इस तरह जैसे तंत्र ज्ञान में हम देख सकते हैं कि लोग टीवी देखने में लग जाते हैं, नेट सर्फिंग में लग जाते हैं, कि और कुछ और कुछ और कुछ, वैसे ही
और ये टीवी हो नेट सर्फिंग ना हो फिर भी हमारा मन भी वैसे ही है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। और इस तरह से ये बंदर के समान ये उछलता रहता है, कूदते रहता है। पर अभी अभी कोई नेट से सर्फिंग कर रहा है तो ठीक है, एक बटन दबाओ यहाँ से उस चैनल पे चले जाएंगे। टीवी देख रहे हैं तो एक चैनल, एक बटन दबाओ एक चैनल से दूसरे चैनल चले जाएंगे। पर कभी कभी क्या होता है, मन किस कुछ ऐसी चीज़ों से आसक्त हो जाता है जिनको प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो क्या होता है, उसमें बड़ा खतरा आ सकता है। अभी मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हो, अभी अमेरिका में कुछ गूगल सेल्फ ड्रिवन कार्स बना रहा है। तो क्या है, मतलब आपको ड्राइवर के रूप में ड्राइविंग कुछ करने की जरूरत नहीं है, गूगल खुद ड्राइविंग कर लेगा कार का। तो गूगल वो देखेगा, पूरा डिटेक्ट करेगा कि कौन वहाँ से कहाँ से आ रहा है, आपको यहाँ से कहाँ जाना है, आगे कितना ट्रैफिक है। तो वो अनुभव किया है उन्होंने, तो ज़्यादा यशस्वी नहीं हो रहा है, पर वो मैकेनिकल है, वो हो सकता है भविष्य में यशस्वी। पर अभी मान लीजिए अगर कोई कार है वो ऑटोमेटिक चलता है, पर जैसे फ्लाइट होता है मेरा कहते पायलट बोलते थे कि जब वो हवाई जहाज चल रहे होते तो कुछ जब वो कोर्स पर ले जाते हैं तो ऑटो पायलट में डाल देते हैं, वो अपने आप ही वो हवाई जहाज चलते रहता है। तो वैसे ही मान लीजिए कोई गाड़ी ऑटो पायलट में है, पर ऑटो पायलट में होते हुए क्या है, उसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो कंटिन्यूसली गोल 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 घूमते जा रहा है। तो क्या होगा, वो गोल गोल घूमते जाएगा तो गाड़ी गोल गोल घूमे इधर टकराएगी उधर टकराएगी, इधर एक्सीडेंट हो सकता है उधर एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमारा मन जो है वो इसे चंचलम हिमना कृष्ण भगवान कहते हैं, वो ऐसा है कि ऑटो पायलट में है, गोल गोल घूमते रहता है, ये करो अरे उसका क्या होगा, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, अभी ये करना है मुझे, तो गोल 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 घूमते रहता है। अभी जब फैन गोल गोल घूमता है तो क्या, अभी यहाँ पे फैन नहीं है, यहाँ पे नैसर्गिक रूप से हवा जाता है, पर अगर मान लीजिए कोई फैन है, फैन गोल गोल घूमते रहता है, तो फैन जब गोल घूमता है तो उससे कमरा ठंडा होता है। हमारा जब मन गोल गोल घूमता है तो हम गर्म हो जाते हैं हम गर्म हो जाते हैं, जैसे चिंता होने लगती है, परेशानी होने लगती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मन है न केवल एक बंदर के समान नटखट या चंचल है, वो खतरनाक भी है, जो क्या है वो हमें खतरे में डाल सकता है। तो अभी मन हमको एक गधे के रूप में बना देता है, व्हाट द माइंड क्रेव्स फॉर इट मेक्स अस स्लेव फॉर। जब वो किसी एक चीज से आसक्त हो जाता है तो उसके पीछे वो इस तरह से लग जाता है कि वो शक्ति को उसको गुलाम बना सकता है। मेरे एक मित्र है, बताए थे कि उनका भाई शराबी था। तो अभी अभी कोई हम शराबी होता है तो गैर जिम्मेदार है, कुछ आत्मनियंत्रण नहीं है, कुछ इसका क्या उसका कुछ कमज़ोर आत्मशक्ति है, विल पावर उसका बहुत वीक है ऐसे कहते हैं। पर ऐसा है और उतना ही नहीं है, आजकल के समाज में लोग क्या कहते हैं, खासकर पाश्चात्य देशों में भारत में, कि ड्रिंक बट डोंट बिकम ड्रंक। आप शराब पियो पर शराबी मत बनो। इसका मतलब क्या है, पहाड़ के तट पे जाओ नीचे झुक के देखो पर गिरो मत। क्यों जाना है पहाड़ के तट के बाजू में, जो अगर शराब पीने लग जाएगा तो फिर शराबी न बनना ये आसान नहीं है। हो सकता है कुछ लोग शराब पी थोड़ा बहुत पीते हैं नहीं शराबी बनते हैं, पर क्या है वो अगर आदत बन जाती है तो फिर जब भी समस्या आ जाएगी जीवन में तब वो शराबी बन जाएगा, शराब पीने लग जाएगी। तो ये भक्त है, होता है कि उनका भाई शराबी बन गया था। और ऐसे नहीं कि शराबी मतलब जो लोग होते हैं वो कुछ रास्ते पे बेहोश होकर गिर जाते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं, ऐसे नहीं है। ये अच्छा व्यक्ति था और बड़ा ही सुशिक्षित था, बड़ा ही धनवान था, धनवान परिवार से था, पर वो नशे के इसमें आ गया तो फिर क्या इस तरह से आसक्त हो जाता है, इस तरह से पागल हो जाता है व्यक्ति शराब के लिए। तो क्या हुआ, अभी वो भी ज़्यादा कभी शराब छोड़ना है, पर क्या होता है कभी ऐसी इच्छा होती नहीं मुझे नहीं करना है, तो नहीं मुझे करना ही है, वो ऐसे झगड़ा जैसे अंदर में द्वंद चलते रहता है। तो उसका एक कार था, तो एक बार उसने कार से फ़ोन किया और बताया कि मेरा कार अभी काम नहीं कर रहा है तो मुझे एक टो भेजो। तो फिर दूसरा एक ट्रक आया टो करके उनके घर में लेके आ गया, फिर घर में आके चले गए, शाम हो गई, फिर वो सो गए।
और फिर क्या होता है कि जो कोई शराबी होता है तो उसके आजू बाजू में जो लोग होते हैं, अगर शराब छुटाने का प्रयास करें तो वो भी उसके सतर्क रहते हैं कि रात को उठ के कहीं छुप से शराब पीने नहीं चला जाएगा वगैरह। तो फिर रात को जो भक्त थे वो उठे, देखा कि कुछ आवाज़ आ रहा था, तो वो जो व्यक्ति था उनका भाई शराबी, वो उठ के गया। फिर क्या किया उसने, वो अपनी कार की ओर गया, तो ये कार तो चल नहीं रहा था, तो कार कार तो कार का क्या, उसने क्या किया था, उसके हाथ में कुछ था। और फिर उसने क्या किया, वो कार का टैंक खोला और फिर उसके हाथ में क्या था, एक लंबा ट्यूब था। और फिर उनको समझा क्या किया था उसने, वो कार के टैंक में शराब भर दिया था और फिर अभी ट्यूब डाल के उसमें शराब पीने का प्रयास कर रहा था। तो अभी इतनी दयनीय अवस्था हो जाती है, मन अगर किसी चीज़ से आसक्त हो जाता है तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है और व्यक्ति को एक गधा बना देता है। अभी शराब पीना है पर अभी कितना उसको दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है, अभी पहले उसने कार के पेट्रोल टैंक में सारा पेट्रोल निकाल दिया, फिर उसके बाद में कहीं से शराब लाए, फिर उसके बाद में डाला, फिर किसी को फ़ोन किया बोला कि टाव लेके आ जाओ, अभी रात को उठ के ऐसा ट्यूब ढूंढ रहे, स्ट्रॉ ढूंढ रहे, पाइप ढूंढ रहे कि उसके अंदर से शराब निकाले। तो क्या है, तभी उनको वो बोले देता कि तब तक उनको लग रहा था कि ये इतना गैर जिम्मेदार है, ये इतना कम इच्छा शक्ति वाला है, कम विल पावर वाला है, पर तभी उनको लगा कि वास्तव में ही इज नॉट जस्ट ही इज हेल्पलेस। कितना बेरहमी से उसको मन परेशान कर रहा होगा कि इतने परेशानी तक वो गया है कि कहीं ना कहीं से लोग शराब पी ले। तो क्या है कि मन कभी कभी हमको एक गधा बना देता है, गधा बना के किसी एक चीज़ के पीछे इतना दौड़ाता है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए मुझे, और वो इतना दौड़ाता है उसके पीछे कि हम पागल हो जाते हैं। अभी वो पागलपन कैसे है, एक पागलपन ऐसे है कि जो हमको दिखता है कि ये दुनिया में एक कुछ चल रहा है, उसके मन में कुछ चल रहा है, वो ऐसे ही किसी पर मौखला उठता है, हाथ पैर उठा देता है, तो एक प्रकार का पागलपन है। पर दूसरा प्रकार का पागलपन जो है, द माइंड रिड्यूसेस रियलिटी टू जस्ट वन थिंग। क्या करता है मन, जो है पूरा हमारे जीवन का जो सत्य है वो एक चीज को रोकता है। शराबी होता है उसको दुनिया में शराब के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। एक अमेरिका के ऑथर, एक ब्रिटिश ऑथर है ऑस्कर वाइल्ड, वो कहते हैं, उन्होंने लिखा कि वो सिगरेट पिया करते थे और फिर उनके मित्र बोलते आप सिगरेट छोड़ दो, तो बोले एक बार सिगरेट छोड़ना बहुत आसान है, मैंने आज तक 100 बार वो कर दिया है। अभी 100 बार सिगरेट छोड़ने की जरूरत क्यों हुई, मतलब एक बार सिगरेट छोड़ दिया मैंने पर सिगरेट ने मुझे नहीं छोड़ा, तो आपस पकड़ लिया, मैंने वापस उसको छोड़ दिया, वापस उसने मुझे पकड़ लिया। तो क्या है कि इससे छूटना हमको लगता है उतना आसान नहीं है। अभी कुछ व्यसन वगैरह होते हैं, किसी को कोई शराबी है, कोई बहुत सिगरेट पीता है, कोई ड्रग्स लेता है, यह इस प्रकार के जो एडिक्शन होते हैं वो हमको स्पष्ट रूप से दिख जाते हैं, व्यक्ति पूरा अपने मार्ग से घूम रहा हो रहा है। पर कभी कभी मन में भी भ्रांत धारणाएं आ जाती है, कि कई धारणाएं आ जाती है कि मुझे ये चाहिए और ये ही चाहिए और ये मुझे किसी न किसी तरह से प्राप्त करना ही है, और वो प्राप्त करने के लिए मन कभी कभी हमको पागल बना देता है। तो अभी बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी है, अभी कुछ उद्देश्य होना वो अच्छा है, पर अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हमें आगे बढ़ना है, जो ठीक है नहीं मिला मैं आगे क्या कर सकता हूँ, नहीं मिला तो आगे क्या कर सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं करेंगे हम तो क्या होता है, हम वी गेट लॉक्ड इन द पास्ट, हम भूतकाल में ही फंस जाते हैं। भूतकाल में फंस जाने का मतलब क्या है कि हम जो भविष्य में, अरे ऐसे क्यों नहीं मिला मुझे, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वो ऐसा ही मन फंसा हुआ रहता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, घृणा नहीं, घृणा इज एवर्शन, असंतुष्ट नहीं और डिससेटिस्फैक्शन है, सॉरी, पश्चाताप इज रिपेंटेंस,
पश्चाताप नहीं, रिजेंटमेंट मतलब नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, चंचल तो बिल्कुल, रिजेंटमेंट मतलब जो हुआ है, यू वांट चेक ऑन गूगल या गूगल ट्रांसलेट, विद्वेष, ओके इसका ट्रांसलेशन लगेगा एक और, चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा होना, नाराजगी होना, क्रोध करना, ठीक है, कैसे है ये सब तीर निशाने के पास जा रहे हैं, निशाने पे कुछ भी नहीं जा रहा है। प्रेजेंटमेंट का अर्थ मैं बोल देता हूँ क्या है उसमें, कि अगर जो हुआ है हमारे साथ वो हम स्वीकार नहीं कर पाते, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसे क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे ये चाहिए था पर ये मुझे मिला नहीं, ये मुझे मिला नहीं, ये मुझे मिला नहीं है, तो ऐसा जब होता है तो उस तरह से हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, क्रोध करते हैं, तो वह सब जो होता है उससे मन भूत में फंस जाता है, जब इस तरह से फंस जाता है तो फिर वो व्यक्ति आगे ही नहीं बढ़ पाता है। अभी इसे कई तरह से हो सकता है, ये मन किसी चीज़ में फंस जाता है, दो तीन उदाहरण दे सकता हूँ मैं इसके। अभी मैं जो बताता कि आपने परिचय में सुना होगा कि मुझे बचपन में जब एक साल का था तो पोलियो हो गया मुझे, तो मैं कभी कभी ऐसे जो जिनको जो स्पेशल नीड्स है, हम भारत में कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड, पर बाकी देशों में वो थोड़ा और यूफेमिज्म यूज़ करते हैं, इतना वो बोलते हैं कि ये लोग हैं उनको स्पेशल नीड्स है क्योंकि कुछ विशेष ज़रूरत है, तो ऐसे स्पेशल नीड्स जो लोग होते हैं उनको भी मैं कभी लेक्चर्स वगैरह देता हूँ, तो उसके बाद में जब बात करता हूँ तो मुझे एक चीज़ तुरंत खटकती है, वो कि ये सब लोग, उनमें से अनेक लोग ऐसे हैं, दे आर फाइटिंग बैटल्स दैट दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट, वो यो युद्ध लड़ रहे हैं कि वो पहले ही हार चुके हैं। मतलब क्या कि अगर कुछ बचपन में कुछ हो गया, किसी का कुछ हाथ कट गया है, किसी का आँख चला गया है, किसी का पैर खराब हो गया है, ओ किसी को कुछ परमानेंट स्कार आ गया है चेहरे पे, किसी कुछ कमज़ोरी आ गई है, तो अभी वो पहले ही हो चुका है, फिर उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, पर क्यों हुआ ये नहीं होना चाहिए था, वो उसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया, ये ऐसे क्यों हुआ, वो क्या है, वो ऐसा है कि वो जो युद्ध है वो हार चुके हैं, और वो युद्ध अगर लड़ते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पर वो स्वीकार ही नहीं कर पाते, वो जो रिजेंटमेंट होता है वह उसको फंसा के रखते को फंसा के रखता है। तो मैं जब बचपन में देखता हूँ तो मुझे कभी ऐसे याद नहीं आया कि मुझे इतनी रिजेंटमेंट हुआ करता था, इतना नकारात्मक भाव था, फिर मैं विचार किया ऐसे क्यों है, तो तभी मुझे ध्यान में आया कि मेरे माता पिता जो थे बचपन से उन्होंने मुझे स्वीकार किया, कभी मुझे ऐसे लगने दिया कि मेरा एक पैर बोझा है या मैं उन पे कोई बोझा हूँ, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया, तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया, इसलिए मैं खुद को स्वीकार कर पाया, और ये अभी मुझे जब भी चलना पड़ता है तो क्रचेस यूज़ करने पड़ते हैं, जो अगर कोई मुझे पहली बार देखता है तो सबसे पहले उनको क्रचेस दिख जाते हैं, पर मेरे लिए ये क्रचेस जो है ये ग्लासेस के समान है, क्या है, ज़रूरी है देखने के लिए, ज़रूरी है चलने के लिए, पर अगर हम चश्मा पहन लेते हैं कितने चश्मे के बारे में सोचते हैं, पहन लो और काम करो आगे, तो वैसे ही है। तो अभी क्या है, अगर कोई स्वीकृति हमारे जीवन में कुछ अगर हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ है तो उसको स्वीकार करना ज़रूरी है, पर मन अगर बहुत आसक्त रहता है ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर क्या है, हम उसी में फंस जाते हैं, और फिर हमारी सारी शक्ति है वो वी आर ट्राइंग टू चेंज दैट विच इज़ अनचेंजेबल, और ये जो गधा होता है बहुत मेहनत करता है और उस मेहनत से उसको कुछ मिलता नहीं है। हमारा मन भी वैसे होता है कि बहुत पीड़ित हो जाता है, ये ऐसे क्यों है, नहीं ये बदलो, ये बदलो, ये बदलो, पर वो बदलने की संभावना है ही नहीं, उसको स्वीकार करना है अभी। तो मैंने एक पुनर्जन्म किताब लिखा है, मिस डीमिस्टिफाइंग रीइनकार्नेशन, तो मैं उस पर लेक्चर दे रहा था, तो अलग 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 सवाल पूछते हैं, तो एक जगह पे एक यूथ मीटिंग था, उसमें एक युवक ने सवाल पूछा मुझे कि मुझे एक पुनर्जन्म से संबंधित सवाल है, तो मैं सोचा तो ज्ञान का सवाल होगा, नहीं, उसका सवाल क्या था कि मैं एक लड़के से प्रेम करता हूँ पर हम शादी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे माता पिता जो है वो बिल्कुल खिलाफ़ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं
कि मुझे क्या कर्म करना चाहिए जिससे कि अगले जन्म में उसे शादी कर सकता हूँ. तो कई लोग ये कहते हैं सवाल पूछे सोलमेट के बारे में, क्या हम सबका एक सोलमेट होता है. तो मैं बताता हूँ कि ठीक है, आप मेट पे इतना जोर मत दो, सोल को पहले समझो. तो अभी क्या हो गया इसमें, अच्छा ठीक है, अगर कुछ संबंध नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, हमें आगे बढ़ना है जीवन में. पर उसी रिकॉर्ड को बार 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 प्ले करते रहते हैं तो हम उसी में फंस जाते हैं. और मन इस तरह से हमको कई पद्धतियों से गधा जैसे बनाता है. गधा के मतलब क्या है, बहुत मेहनत करवाने को लगाता है और उससे कुछ होता ही नहीं. तो अगर जो हुआ है हमारे भविष्य भूतकाल में उसको स्वीकार करना है. अब ये भविष्य में वर्तमान में भी कुछ चीज़ें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, उसको भी स्वीकार करना है. वो स्वीकार करने से क्या होता है, फिर हम वो गधे के समान मेहनत नहीं करते रहेंगे. तो मन चंचल है, इधर से उधर जाते रहता है. पर मन किसी एक चीज़ को पकड़ लेता है तो फिर जैसे बंदर होते हैं, वो बंदर अगर किसी चीज़ को पकड़ लेते हैं छोड़ते ही नहीं उसको. तो वैसे ही हमारा मन किसी चीज़ को पकड़ लेता है, बंदर से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, पकड़ लेता है छोड़ता ही नहीं है. तो इसलिए वो ओ को पकड़ लेता है और उसके पीछे हम जाते हैं तो हम गधे जैसे बन जाते हैं. तो जब इस तरह से कोई व्यक्ति गधे जैसा बन जाता है तो अपना पूरा जीवन वो उसी किसी एक चीज़ के पीछे, ये क्यों नहीं मिला, ये मुझे मिलना चाहिए, ऐसे ही वो फंस जाता है. और गधा ही नहीं, ये मन जो है व्यक्ति को कोई बड़ा खौफनाक जानवर बना सकता है. जब कोई नशा करने लगता है, जब कोई ड्रग्स लेने लगता है तो क्या होता है कि मैं ये डी एडिक्शन कॉन्फ्रेंस में गया था अमेरिका में, कनेक्टिकट के पास में था वो. तो वहाँ पे मैंने स्पिरिचुअलिटी और एडिक्शन के बारे में बताया था, आध्यात्म और एडिक्शन के बारे में. तो वहाँ पे जो कुछ डी एडिक्शन एक्सपर्ट्स आए थे वो भी सेमिनार में लेक्चर दे रहे थे. वो बता रहे थे कैसे कि द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ क्रिमिनैलिटी इज एडिक्शन. अगर कोई किसी बुरी आदत का शिकार बन जाता है, व्यसन हो जाता है उसे, तो उससे हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगर यह बुरी आदत है, अगर किसी ने एक गुनाह कर दिया है तो अभी वो दूसरा गुनाह करेगा कि नहीं, क्योंकि क्या है उसके आधार पर वो फैसला करते हैं उसको कितनी बड़ी सज़ा देनी है. पर वो कैसे पता करेगा कि वह दूसरा गुनाह करेगा कि नहीं. तो वो कहते हैं कि यह समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि वो गुनाह कर रहा है, उसके हाथ क्या उसकी कोई बुरी आदत है. अगर बुरी आदत है उसकी तो फिर अगर वो शराब लेता है, नशा करता है, तो फिर ड्रग्स देता है, तो फिर क्या है, ज़रूर वो उसकी पूर्ति के लिए पुनः दूसरा गुनाह करेगा और तीसरा गुनाह करेगा, चौथा गुनाह करेगा. तो वहाँ पे अमेरिका में बताए थे, तभी मुझे पता चला कि वो शायद भारत में पंजाब में ड्रग्स का समस्या बहुत है. और कोई बॉलीवुड का मूवी भी आया था क्या, उड़ता पंजाब, ओके, गिरता पंजाब, ओके. एनीवे तो वहाँ पे बता रहे थे कैसे ड्रग्स का समस्या पूरे भारत, पूरे विश्व भर में है. और उन्हें मुझे बताया कि ये हम भारत में कितना समस्या है, ये इस मूवी में भी दिखाया था. तो एनीवे पॉइंट ये है कि जो समस्या होती है उसमें वो साधारण व्यक्ति भी गुनहगार बन जाता है, हत्यारा बन जा सकता है. तो इसलिए क्या है, एक न केवल मन हमको एक बंदर के समान, बंदर के समान है जो हमको गधा बना सकता है, वो एक बहुत ही खौफनाक जानवर के समान बना सकता है, और व्यक्ति पागल के समान कार्य कर सकता है. इसलिए मन को संभालना ये बहुत ज़रूरी है. तो अभी आखिरी विभाग में मैं तीन चीज़ें बताऊँगा कि मन को हम कैसे संभाल सकते हैं. गो अहेड. तो मन जब पागल हो जाता है तो हमारे शरीर से दूर जाके कहीं और इधर उधर घूमने लगता है. गो अहेड. तो हमें मन को नियंत्रण करना है तो तीन चीज़ें हैं कि सबसे अच्छा है मन को नियंत्रण करने के लिए कि हम वो मन भगवान में लगाएं. पर भगवान में लगाने से क्या होता है कि हमारा जो मन है वह अस्थिर होता है, इधर जाता है उधर जाता है. पर भगवान जो है, अगर हम भक्ति करते हैं तो उसके द्वारा मन को एक आश्रय मिल जाता है. मन की जो तेज रफ्तार है उसको कुछ पकड़ लिया.
अगर मान लीजिए कोई सागर की लहरें आ रही हैं और लहरों से कोई एक एक व्यक्ति है जो जो उन लहरों में इधर उधर फेंका जा रहा है, और उसको कुछ नाव मिल जाती है तो नाव में थोड़ा सहारा मिलेगा, और नाव को एक लंगर से जोड़ लिया जाएगा तो और आश्रय मिल जाएगा उसको। तो उसी तरह से क्या है, जो नाव है, अभी ये तीन चीज़ें जो है उस उदाहरण के आधार में बताऊँगा। सबसे पहला है कि व्यक्ति अगर सागर के लहरों में फेंका जा रहा है, वैसे हमारे मन में लहरें आती, ये खाओ, ये ऐसे करो, ये मुझे ये चाहिए, वो ऐसे क्यों हो रहा है, और उस तरह से हमारे हम इधर उधर फेंके जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इंटेंशन, इंटेंशन मतलब कि मैं अभी इस तरह से आई वॉन्ट अ बेटर लाइफ, मैं इस तरह से इधर उधर फेंका नहीं जाना चाहता, मैं आज ये कर रहा हूँ, मैं कल वो कर रहा हूँ, परसों वो कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक मुझे कुछ करना है। सबसे पहले इंटेंशन चाहिए कि मुझे ये जो है इसको छोड़ना है, मुझे इसको परिवर्तित करना है। अगर सागर के लहरों में कोई फेंका जा रहा है उससे अच्छा है ना, मैं इधर वो देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, उधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी आ रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। अभी अच्छा तभी लग रहा होगा, पर बाद में एक ऐसी लहर आ सकती है वो इतना ऊपर उठाएगी, नीचे गिराएगी, तो व्यक्ति डूब भी सकता है। तो कभी कभी मन की लहरों में घूमना अच्छा लगता है, पर जब हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, जब हम कुछ जिम्मेदारी कार्य करना पड़ता है, तब फिर हमको मन करने ही नहीं देगा। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले क्या चाहिए, इंटेंशन कि मुझे खुद मेरे मन को नियंत्रित करना है, अनुशासित करना है, आई वॉन्ट टू चेंज, यह ज़रूरी है। अभी वो अगर होगा तो उसके बाद में क्या है, दूसरा चीज़ है जो अगर किसी को नाव मिल जाती है, वो नाव है हमारी बुद्धि। जितनी हमारी बुद्धि सतर्क हो जाएगी तो उस बुद्धि से क्या होगा, जैसे ही मन खिड़की से टीवी के रूप में बदल जाएगा तो हमको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये अभी ये मन खिड़की नहीं दिखा रहा, ये टीवी दिखा रहा है, ये मुझे सत्य नहीं है, ये कुछ कल्पना दिखा रहा है। जितनी हमारी बुद्धि सतर्क होगी उतना हम वो समझ पाएंगे। जितनी बुद्धि हमारी शक्तिशाली नहीं है, सतर्क नहीं है, उतना हम मन के साथ चले जाएंगे। अभी बुद्धि सतर्क कैसे होती है, वो शास्त्रों के अध्ययन से होती है, वो सत्संग से होती है। जितना हम भगवद्गीता का ज्ञान समझेंगे उतना हम समझेंगे कि मैं और मेरा मन अलग है, और ये मन को मन पर ध्यान कर रखना मुझे ज़रूरी है। जितनी हमारी बुद्धि सुदृढ़ हो जाएगी उतना जब मन इधर भागेगा तो हम उतना जल्दी उसको समझ जाएंगे, उतना जल्दी उसको हम वापस नियंत्रण में ले आएंगे। ऐसे नहीं है कि बुद्धि जागृत होने से मन इधर उधर भागेगा नहीं, ऐसे नहीं है कि वो खिड़की से टीवी नहीं बन जाएगा, टीवी बन जाएगा, पर जैसे ही टीवी बन जाएगा वो टीवी देखने की जगह पर क्या करेगा, अरे बटन दबाओ और उसको खिड़की बना दो। तो लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड, मतलब जब हमारी बुद्धि सतर्क हो जाती है तो क्या होते हैं कि हम ये मन क्या कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उसके बारे में हम विचार करते हैं ना, क्योंकि मन जो बोल रहा है उसको सुन लेते हैं। सो लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड, मतलब जो मन दिखा रहा है वो देखने के पहले ये मन क्या दिखा रहा है उसके बारे में विचार करो। ये बुद्धि से होता है, और जितना हमारा बुद्धि सुदृढ़ हो जाएगा उतना हम हमारी मानसिक शक्ति को और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब क्या है, हमारे अंदर प्रवृत्तियाँ होती हैं। अभी परिवर्तन करना है हमको हमारे जीवन में, तो उसके लिए हमको प्रवृत्ति जो है वो हमारी बदलनी होती है। प्रवृत्ति का मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने पहले उदाहरण दिया था सॉफ्टवेयर का, और मान लीजिए कोई आपके फ़ोन पे के कोई व्यक्ति है, उसके अपने फ़ोन पे वो कोई एक साइट बार बार उसने विज़िट किया है, से शायद उसने bollywood.com ये साइट बहुत बार विज़िट किया है, और फिर अभी वो कुछ सत्संग कार्यक्रम में आता है, उसको सुनता है कि अच्छा भगवद्गीता में कुछ अच्छा ज्ञान लगता है तो मुझे सुनना है इसके बारे में, जानना है इसके बारे में, इसलिए गूगल में जाते हैं और भगवद्गीता टाइप करना होता है, और वो बी टाइप करते हैं, फिर क्या होता है, तुरंत बॉलीवुड आ जाता है। अभी बॉलीवुड में जाना नहीं था उनको, पर क्या हुआ, क्योंकि पहले बॉलीवुड में गए थे तो क्या है, वो कंप्यूटर में वो स्टोर हो गया है, कि वो स्टोर हो गया कि पहले बॉलीवुड में गए थे, इसलिए जैसे बीजा हुआ शायद आपको बॉलीवुड जाना है, इसलिए बॉलीवुड अपने आप आ जाएगा। तो ये क्या है, उसी तरह से हमारे मन की प्रवृत्तियाँ होती हैं। तो जैसे हमारे फ़ोन में ऑटो कंप्लीट होता है,
जैसे ही बी आ गया तो बॉलीवुड दिखा देता हूँ। तो वैसे ही हमारे मन की भी प्रवृत्तियाँ होती हैं। मतलब अगर कोई शराबी व्यक्ति है तो उसको मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे थोड़ी राहत चाहिए, मुझे थोड़ा सुख चाहिए, तो शराब पी, वो एकदम ऑटो कम्प्लीट आ जाएगा उसको। तो अभी शराबी तुमको राहत चाहिए, सुख चाहिए, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। कोई हमसे प्रेम करता है, उनसे कुछ बात कर सकते हैं, हम कोई अच्छे ग्रंथ पढ़ सकते हैं, कुछ अच्छा संगीत सुन सकते हैं, कुछ भगवान का कीर्तन कर, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं, पर उनके लिए तुरंत वो ऑटो कम्प्लीट वो आ जाएगा। तो वैसे ही हमारा जो है मन का इंक्लिनेशन होता है। अभी हमारे मन की अभी प्रवृत्ति क्या है वो समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जब व्हाट डू वी डू व्हेन वी हैव नथिंग टू डू, या कुछ भी करने के लिए नहीं है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? अधिकांश लोग क्या, कुछ भी करने के लिए फ़ोन उठाओ, और फिर फ़ोन में कुछ मैसेज आया है क्या, कुछ फेसबुक के आया है क्या, वो आया है क्या, वो आया है, वो देखो, वही चीज़ हो सकती है। उसको भी कुछ आजकल स्क्रीन एडिक्शन बोलते हैं लोग, स्क्रीन जो अपने स्क्रीन से एडिक्ट हो गए, वो एक प्रकार से। पर हम देख सकते किस चीज़ के बारे में विचार करते हैं, क्या मैं क्रिकेट के बारे में विचार करता हूँ, मैं इसके बारे में विचार करता हूँ, उसके बारे में विचार करता हूँ, तो वो अभी हमारा इंक्लिनेशन बन गया। तो ये जो प्रवृत्ति होती है कभी कभी बहुत खतरनाक हो सकती है, थोड़ी खतरनाक, थोड़ी से डिस्ट्रैक्टिंग हो सकती है। तो जब ये अंदर की प्रवृत्ति बदल जाएगी, मान लीजिए कोई अभी बॉलीवुड बहुत बार जाता है, पर अभी उसको भगवद्गीता में रुचि आ जाती है, और एक दिन भगवद्गीता पर जाता है, दूसरे दिन भगवद्गीता पर जाता है, तीसरे दिन भगवद्गीता पर जाता है, बार बार भगवद्गीता.com पे अगर जाता है वो, तो उसके बाद में जैसे बी टाइप करेगा तो क्या आएगा, तो भगवद्गीता आ जाएगा। तो क्यों आया ये, बार 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 वही चुना है। तो उसी तरह से क्या होता है कि अभी हमारे मन की अलग अलग प्रवृत्तियाँ हो सकती है, पर अगर धीरे धीरे हम एक सकारात्मक प्रवृत्ति चुनते हैं तो उससे क्या होगा, सकारात्मक कार्य चुनते हैं तो वो हर कार्य जो करते हैं उसकी हमारे मन पे छवि हो जाती है, और वो छवि जब हो जाती है वो अगले बार हमको उसकी ओर प्रवृत्त करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें करना है। तो हमें जो आत्म परिवर्तन अगर करना है, हमारे मन की प्रवृत्ति को बदलना है, तो छोटी चीज़ करो जो हम कर सकते हैं। कोई कहता है कि ठीक है मुझे अभी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है, मैं भगवद्गीता का एक श्लोक रोज पढ़ूंगा, मैं कुछ सत्संग का कुछ प्रवचन है मैं सत्संग या 10 मिनट कुछ सुनूंगा, मैं ये इतना जितना हम कर सकते हैं आसानी से बिना किसी मुश्किल के उससे हम शुरुआत करें। तो कभी कभी क्या सोचते हैं कि मैं परिवर्तन करने वाला हूँ, पूरा मेरा जीवन परिवर्तित करूँगा, मैं ये आज के बाद कभी ये नहीं करूँगा और रोज़ ये करूँगा। वैसे क्या होता है, वो अच्छा है, वो इच्छा अच्छी होती है, पर कभी कभी उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। अभी कुछ समय पहले, एक महीने पहले नया साल शुरू हो गया है, तो लोग नए साल के समय क्या करते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने संशोधन किया है कि लगभग लोगों के 85% 85% न्यू ईयर रेजोल्यूशन होते हैं वो न्यू नहीं होते वो रेजोल्यूशन पिछले साल और उसके पिछले साल में लिए हैं, पर वो तभी नहीं कर पाए, शायद इस साल में कर पाऊंगा, ऐसा होता है। क्या कहता है, कभी कभी हम जो रिजोल्यूशन थे बहुत बड़ा लेते हैं, यू कैन एम बिग बट स्टार्ट स्मॉल, यू कैन एम बिग, मुझे बड़ा परिवर्तन करना है, पर छोटी सी चीज़ से शुरुआत करो। छोटी सी चीज़ मतलब, ठीक है मुझे भगवद्गीता पढ़नी है, ठीक है अच्छा है, रोज़ मैं एक श्लोक पढ़ूंगा, एक श्लोक, फिर दो श्लोक हो सकता है, फिर तीन श्लोक होता है, एक श्लोक तो पढ़ूंगा। छोटी छोटी चीज़ से हम शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है कि मैं कर सकता हूँ। और मन के लिए क्या है, अभी मन पे अगर छवि करानी है हमको, तो मन के लिए छोटी और बड़ी चीज़ में उतना फर्क नहीं है, मन के लिए क्या किया वो फर्क है। अगर मैंने भगवद्गीता उठा ली और रोज मैंने 5 मिनट के लिए पढ़ ली, पर वो कार्य करने से क्या होता है, मन पे एक छवि हो जाती है। और अगर मैं रोज 5 मिनट भी पढ़ता हूँ इस तरह से, तो क्या हो गया, वो रोज़ एक छवि उससे हो रही है, और जैसे रोज़ छवि हो जाएगी तो फिर कुछ समय, एक महीना, 2 महीने, 3 महीने जैसे मैं करूँगा, तो उसके बाद में अगर मैं भगवद्गीता पढ़ूँगा नहीं, तो
तो मन का अपना ऑटोमेटिक आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, आज भगवद्गीता पढ़ेंगे तुमने, आज पढ़ेंगे तुमने, आज पढ़ो, आज पढ़ो, आज पढ़ो। तो उससे क्या होगा, तो हमको सबसे महत्वपूर्ण है रेगुलरिटी। क्वांटिटी इज गुड बट रेगुलरिटी इज इवन मोर इम्पॉर्टेंट। हम कितना करते हैं वो महत्वपूर्ण है, पर उससे महत्वपूर्ण है हम कितना रेगुलरली करते, कितनी बार हम करते हैं। हर बार जो करेंगे वो एक छवि हमारे मन में हो रही है, और जब छवि होती है तो उससे क्या होता है, उससे परिवर्तन हो जाता है, अंदर का इंक्लिनेशन बदल जाता है। तो अभी शायद हमारा मन जो चंचल है, इधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, उधर भागता है, और मन हज़ार जगह भागता है, पर जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा आसक्ति है उसकी ओर ज़्यादा भागता है, उसकी ओर प्रवृत्ति है उसकी। पर जब हम सकारात्मक आदत डालते हैं तो मन की छवि वैसे बन जाती है, मन की प्रवृत्ति वैसे बन जाती है, मन उसकी ओर जाता है। और इसमें कोई भी अच्छी सकारात्मक अब हम आदत डाल सकते हैं। कोई कहता है, कोई कह सकता है कि मुझे भगवद्गीता ही क्यों पढ़नी है, मैं कोई और अच्छा ग्रंथ पढ़ सकता हूँ, वो भी अच्छा है। पर यहाँ पे क्या है, जब हम भगवान के संबंध में कुछ पढ़ते हैं तो उसमें एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या, कि हम जब हमारे मन की छवि का बदलना करने का प्रयास कर रहे हैं तो केवल हम प्रयास कर रहे हैं, मुझे मन ऐसे आ रहा है तो मुझे ऐसे लाना है मन को। पर जब वो मन को भगवान की ओर ले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें भी हमको थोड़ा हम प्रयास करना पड़ता है, पर क्योंकि भगवान सबसे शक्तिशाली है, भगवान बहुत सब परम परम शुद्ध है, पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, कि भगवान परम पवित्र है, परम शुद्ध है, उनके संग से जो है हमारा मन शुद्ध और तेजी से हो जाता है। मान लीजिए अगर आपके फ़ोन में ऐसे है कि एक bollywood.com ऑटो कम्प्लीट में आ गया है, और अभी आपको भगवद्गीता जाना है और वो ऑटो कम्प्लीट नहीं चाहिए, तो क्या कर सकते हैं आप वो कंप्यूटर के सेटिंग्स में जा सकते हैं, और वो अगर फेवरेट में आ गया है, वो बुकमार्क में आ गया बॉलीवुड, उसको क्रॉस कर दो, और फिर वो आप जाके bhagavad-gita.com वहाँ पे फेवरेट्स में डाल दो। तो फिर क्या हो गया, बाद में आप हज़ार बार बॉलीवुड में गए होंगे पहले, पर अगर फेवरेट से निकाल दिया, हिस्ट्री से डिलीट कर दिया, और अभी इसको फेवरेट में डाल दिया, तो क्या होगा, वो जो बी है डालेंगे तुरंत भगवद्गीता आ जाएगा। तो अभी शायद हमारे कंप्यूटर में अगर हम उतना एक्सपर्ट हैं, हमको उतना कंट्रोल है सॉफ्टवेयर पे वगैरह, तो हम वो बदल सकते हैं, पर हमारे मन के सॉफ्टवेयर में ये हम नहीं बदल सकते, ये भगवान बदलते हैं। क्या है कि जो हमारे मन में ऑटो कंप्लीट आ जाता है वह एक मैकेनिकल पद्धति से करना है, कि ठीक है मैं वहाँ पर 100 बार गया था, अभी मैं यहाँ पर 100 बार जाऊँगा तो फिर ये छवि उससे उसकी उसकी इतनी शक्तिशाली है, उससे शक्तिशाली हो जाएगी, सही है। पर अगर हम भगवान के संबंध में कुछ जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो भगवान की शक्ति उसमें लग जाती है, तो पूरा सेटिंग बदल जाता है। और कितने सारे लोगों से दुनिया भर में मिला हूँ, एक व्यक्ति था कि इस कहानी के साथ मैं अंत करूँगा, कि जो मन की वृत्ति बदल जाती है, मन की वृत्ति जब बदल जाती है तो व्यक्ति भगवान के कृपा से कुछ परिवर्तन कर देता है। मैं कई साल पहले, कई सालों से मैं अभी अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स को वगैरह लेक्चर देता हूँ, तो मैं जब अमेरिका में गया था तो एक यूनिवर्सिटी में, मिडवेस्ट में यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ पे मैंने लेक्चर दिया किस पे, कि रेगुलेट योर मेंटल डाइट। जैसे हम शरीर में क्या खाते हैं उसको हम ध्यान देते हैं, वैसे मन में हम क्या डाल रहे हैं उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो फिर उसके बाद में एक अमेरिकन विद्यार्थी आया और मुझे बता रहा था, अब मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। क्या हुआ, बोला कि मैं इस क्लास के पहले ही मैं आत्महत्या करने के बारे सोच रहा था। मैंने क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो उसने बताया कि मेरा किसी लड़की का संबंध था, और अच्छा मुझे लगा था अच्छा रिलेशन चल रहा है, पर अचानक ब्रेकअप हो गया उसका, तो वो रिलेशनशिप का ब्रेकअप हो गया और इसका ब्रेकडाउन हो गया। तो अभी वो इतना हताश होता बोला था, जब मैं सोच रहा था ऐसे ही हताश होकर कैंपस में घूम रहा था, और तभी मैंने सोचा था कि शायद मुझे अभी ज़िंदगी का मतलब क्या है, और तभी मैंने ये पोस्टर देख लिया, वो जो मेरा प्रोग्राम था उसका पोस्टर था, तो फिर चलो देखते क्या है इसमें। तो बोला कि अभी मैं यहाँ पे आया तो मुझे समझा कि वास्तव में मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता, मेरा जो मन है वो बोल रहा है तुम आत्महत्या करो, आत्महत्या करो, आत्महत्या करो,
क्या हो गया है तो मैं उसको बताया कि तुम यू हैव गॉट अ लाइफ सेविंग इनसाइट टुडे, अब तुम्हारे जीवन बचाने की तुमको ऐसे समझ हो गई है. तो मैं उनको बोला कि उसको बताया कि तुम वहाँ पे भक्ति योग क्लब होता है उस कॉलेज में, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं. उसको भगवद्गीता पढ़ने को इंकरेज किया. मेरा एक वेबसाइट है गीता डेली, जिसमें मैं रोज़ भगवद्गीता के आधार पर एक छोटा सा 300 शब्दों का एक लेख लिखता हूँ. उसके बाद एक ऑडियो वीडियो भी होता है कि भगवद्गीता को हमारे प्रायोगिक जीवन में किस तरह से हम अमल कर सकते हैं, उसके बारे में उसको बताया. उसको तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री तुमको एक लिखा जाएगा. तो उसके बाद में जब भी मैं वहाँ पर जाता हूँ उस यूनिवर्सिटी में, उससे बात करता हूँ. तो अभी पिछले साल जब मैं वहाँ पर गया था, तो वापस वो लड़का मुझे मिला और उसने कहा कि पुनः मेरे जीवन में वैसे ही पसंद आ गया था कि मैं एक स्टडी रिलेशनशिप में था. अभी उनके लिए खास खास के अमेरिका में कैसे है कि अगर कोई रिश्ता है, कोई रिलेशनशिप अगर 2-3 महीने से ज़्यादा चला तो कहते उसको बहुत स्टडी रिलेशनशिप चल पाई. क्योंकि ब्रेकअप्स में ऐसे होते रहते, इतने सारे ब्रेकअप्स होते रहते. तो फिर वो बोलते एक स्टडी रिलेशनशिप चल रहा था मैं, और अचानक पता नहीं क्या हो गया, वो लड़के ने मैसेज कर दिया कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुमको ब्लॉक कर रही हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट करने का भी प्रयास मत करो. तो पूरा एकदम सुन्न हो गया. और फिर वो वहीं सीधा अपने कमरे में चला गया. और फिर कमरे में चला गया, फिर हताश होकर उसने ना कमरे में अपना दरवाज़ा बंद कर लिया, खिड़कियाँ बंद कर ली, उसमें कर्टन डाल दिए, सारे अंदर लाइट बंद कर दी. और अभी इतने समय से वो भक्ति क्लब में वहाँ पे आ रहा था, और उसको थोड़ा उसको संगीत में रुचि, तो वायलिन बजाया करता था. तो वो जब कीर्तन होता था तो वायलिन प्ले करके वो कीर्तन में सहभागी हो जाता था. तो जब ऐसे हो गया, पूरा उसने अंधेरा कर लिया अपने रूम में, और फिर अचानक उसको कुछ विचार आया और उसने अपना वायलिन उठा लिया, और वायलिन उठा के वो हरे कृष्णा कीर्तन करने लग गया. वो ऐसे बोला कि मुझे, मैं 6 घंटे तक अकेला उस अंधेरे में हरे कृष्णा कीर्तन कर रहा था, और 6 घंटे जब मैंने कीर्तन किया तो तभी चारों ओर अंधेरा था, पर मुझे लग रहा था कि मेरे हृदय में एक रोशनी है. मुझे ऐसे लग रहा है था कि भगवान ने मुझे आलिंगन कर लिया है. आई कुड एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ गॉड. ये कुछ ऐसा दिव्य अनुभव हो रहा था कि वॉट वुड हैव बीन अ वेरी डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस फॉर मी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट एनरिचिंग एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ. जो ऐसा अनुभव मुझे बहुत हताश कर रहा था, वो मुझे परिवर्तित कर दिया. मुझे ऐसा लगना कि समृद्ध हो गया मैं अंदर से. और फिर उसने जब कीर्तन खत्म हो गया, बोलते मेरे आँखों से आंसू आ रहे थे, पर वो दुख के आंसू नहीं थे, वो एक दिव्य अनुभूति के आंसू थे, दिव्य आनंद के आंसू थे. तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे उसके जीवन में दुखद परिस्थिति तो आ गई, पर मन की प्रवृत्ति थी वो बदल गई. मन में प्रवृत्ति भी थी, अभी उसने सारा अपने कमरा बंद कर दिया, अंधेरा कर लिया, वो सब करते समय उसके शायद उसके मन में पहले विचार नहीं था कि मैं अभी ये कीर्तन करने वाला हूँ. वो पूरा हताश हो गया था. पर क्या हुआ था, उसने जो जितनी भक्ति की थी, कीर्तन किया था, उसकी छवि उसके मन में आ गई थी, और उस समय वो प्रवृत्ति आ गई. तो इस तरह से जब हमारा इंक्लिनेशन बदल जाता है, हमारी प्रवृत्ति बदल जाती है, तो तब हमारा मन हमारा मित्र बन जाता है. जब तक हमारी प्रवृत्ति विपरीत है हमारे, तब तक हमारा मन एक तरह से शत्रु है हमारा, हमें चौकन्ना रहना है. पर भक्ति के शक्ति के द्वारा जो मन है वह हमारा मित्र भी बन सकता है. तो अभी हमें भक्तों के संग में अगर हम आते हैं, मन भगवान में लगाते हैं, तो उससे हमें तीनों हो सकता है. सत्संग में आएंगे लोग, क्योंकि प्रेरणा कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम है, तो ऐसे में कार्यक्रम में मैं आऊँगा. अगर आपके कॉलेज में कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं. तो छोटे से बहुत मुश्किल काम नहीं है, उससे उतना हम करेंगे उससे बुद्धि संतुष्ट, बुद्धि सुदृढ़ शक्तिशाली होगी. और बुद्धि से क्या होगा, वो गलत प्रस्ताव आएगा पर हम चाहिए ये नहीं चाहिए, मुझे bollywood.com है, मुझे नहीं जाना है अभी, तो हम उसको चेंज कर देंगे. जैसे चेंज करते रहेंगे तो क्या होगा, bhagavad-gita.com डालेंगे, वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा. और जब परिवर्तित हो जाएगा तो फिर हमें जो भी कार्य करना है हमारे जीवन में,
आपकी पढ़ाई हो, आपका आपका नौकरी हो, आपके परिवार की जिम्मेदारियां हो, जो भी है, आपका हमारा जो मन है हमारे साथ रहेगा। हमारा मन साथ में नहीं होता है तो जो 5 मिनट का काम है उसको 1 घंटा लग सकता है, उसको 5 घंटे लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, क्योंकि हम इधर उधर उसको मन भटकते रहेगा। पर अगर मन साथ में रहेगा, मन नियंत्रण में रहेगा, तो 5 मिनट का 5 मिनट, 5 मिनट का काम 5 मिनट में कर लेंगे और आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से अभी ये मन को परिवर्तित करने के लिए, इस प्रकार से बुद्धि को सुदृढ़ करने के लिए, उसके मन की छवियों को बदलने के लिए उसको थोड़ा काम समय लगता है, उसको थोड़ी मेहनत लगती है। पर जब हम ये करते हैं, ऐसे कभी लगेगा कि मेरी ज़िंदगी इतनी बिजी है, मेरे पास भक्ति करने के लिए टाइम कहाँ है, मुझे मंदिर में आओ जप करो भगवद्गीता पढ़ो इसके समय कहाँ है मेरे पास। हाँ, हम सबके पास समय की कमी है, पर हमें समझना है कि हमारे जीवन के कार्य है वही हमारा समय नहीं लेते हैं, हमारा मन भी हमारा समय लेता है। अगर हम एक क्लासरूम में बैठे एक लेक्चर सुन रहे हैं और 1 घंटा वो मन इसने ऐसे क्यों बोला, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, तो हमारे शेड्यूल में तो होगा कि 1 घंटा मैं एक लेक्चर में बैठा था, पर वास्तव में उस 1 घंटे में मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं कुछ भी समझ नहीं पाया, और वही 1 घंटे में जो मैं समझ नहीं पाया बाद में शायद 3-4 घंटे लगाने पड़ेंगे समझने के लिए। तो क्या है, हमारा मन हमारे शेड्यूल के अंदर से ही बहुत सा हमारा समय खा लेता है। हमको लगता है मैं एक समय इससे दे रहा हूँ, पर वो मन वो समय खा लेता है सीक्रेटली। तो जो इस तरह से जो मन हमारा समय खा लेता है वो समय सारा बच जाएगा। जो भी कार्य करना है हमारा मन नियंत्रण रहेगा तो हम कार्य ध्यानपूर्वक कर पाएंगे। इसीलिए योर स्पिरिचुअलिटी वोंट टेक अवे योर वर्क टाइम, इट विल टेक अवे योर वेस्ट टाइम। जो समय हम वेस्ट कर देते हैं, कभी कभी जानबूझ के कर देते हैं, कभी कभी अनजाने में हो जाता है, हमको समझ में आता है ये वेस्ट हो रहा है समय, पर जैसे वेस्ट टाइम होता है मन नियंत्रण में आ जाएगा तो वो समय हम वेस्ट नहीं हो जाएगा हमारा, और फिर हम जो भी कार्य करेंगे और इफेक्टिवली अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो इसलिए भले हमको ऐसे लगे कि आध्यात्म के लिए समय लगता है, मेरे पास समय नहीं है, पर थोड़ा समय डालेंगे तो आप देखेंगे कि आपका और समय बचेगा और आपका जो भी समय है उसको आप अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे। तो इस तरह से जो भक्ति से हमारा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, जो परिवर्तन हो जाएगा, वह छोटे छोटे कार्यों से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डिवोशन इज इवोल्यूशनरी बट द रिजल्ट ऑफ डिवोशन इज रेवोल्यूशनरी। कि एवोल्यूशनरी छोटा 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 परिवर्तन है, ये उसके लिए पद्धति है। आप थोड़ा जप करते हैं, थोड़ा भगवद्गीता पढ़ते हैं, थोड़ा सत्संग में आते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला मिलेगा, पर छोटा 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 करेगा तो क्या होगा, इससे एक चमत्कारिक परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा परिवर्तन हो जाएगा जिससे कि आप के जीवन में जो भी करना है वो और जिम्मेदारी से और सक्षमता से और यशस्वी पद्धति से हम कर पाएंगे। तो सारांश में आज मैं चर्चा की किस विषय पे, कि हम मन एक बंदर है, उसे हमें एक गधा न बनाने दें। तो मैंने 4 मेन पॉइंट पहले चर्चा की, इसमें कैसे कैसे मन क्या है, मनोविज्ञान को पता, मनोविज्ञान में कहता है कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करके बर्ताव का अध्ययन करता है। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टि से मन क्या है पता नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टि से हम देख सकते हैं मन क्या है, शरीर और आत्मा के बीच में का लिंक है। तो अगर मन कहीं और चला गया तो हम किसी भी चीज़ को ध्यान नहीं दे सकते। तो मन एक सॉफ्टवेयर के समान है जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में काम करता है। हार्डवेयर शरीर है, मन आत्मा है, सॉरी आत्मा यूज़र है। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर पे कभी अगर वो ई सॉफ्टवेयर अगर खिड़की के रूप में काम कर रहा है या वही टीवी के रूप में काम कर रहा है तो ठक तक बदल जाता है, व्यक्ति मोहित हो जाता है। तो हमारा मन एक बंदर के समान है जो कभी ये टीवी पे दिखा रहा है, ये कार्यक्रम दिखा रहा है, वो कार्यक्रम दिखा रहा है, वो कार्यक्रम दिखा रहा है, और उस तरह से हम पागल जैसे हो जाते हैं। जो वास्तव में पागल लोग होते हैं वो टीवी पे जो दिख रहा है उसको जो सत्य में है उससे ज़्यादा सत्य मान लेते हैं, पर हम भी उसी दिशा में कभी कभी चले जाते हैं। तो मन बंदर समाज में होता है तो हम ये वो विचारों में खो जाते हैं, बहुत सा समय चला जाता है, कुछ कर नहीं पाते। पर मन जब हमको गधा बना देता है तो मतलब क्या होता है, वो किसी एक चीज़ से इतना आसक्त हो जाता है कि हमारी सारी मानसिक शारीरिक शक्ति उसी में चली जाती है। तो उसमें रिजेंटमेंट के बारे में चर्चा की,
जो हो गया जो, अगर कोई दो चर्चा के लिए एडिक्शन और रिजेंटमेंट को, जैसे वो शराबी पेट्रोल टैंक में शराब डाल के ला रहा था, जब व्यक्ति शराबी बन जाता है तो क्या होता है, गधे के समान उसको मेहनत करवाता है, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, पागल जैसे मेहनत करता है। या फिर वह किसी चीज़ से हम घृणा करने लगते हैं, रिजेंटमेंट करते हैं, तो क्या है, जो युद्ध हार गया है, हार गए हैं उसका ही, उसको ही पुनः पुनः करते रहते हैं, सारा समय हम भूत में खुद को फंसा देते हैं। तो हमको स्वीकृति करनी है, जो हो गया है वो हो गया है, अभी मैं आगे क्या कर सकता हूँ। तो जो मन इस तरह से हमको हमारी मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति पूरा एक गधे के समान व्यर्थ गंवा देता है। तो मन न केवल गधा बना सकता है हमको, पर एक कोई खूंखार जानवर भी बना सकता है, जो जो गुनाह करके जो जो एडिक्टेड लोग होते हैं, कोई हत्यारे गुनहगार हत्यारे भी बन जाते हैं। तो मन कैसे बंदर है, कैसे हमको गधा बनाता है, ये दो दो पॉइंट थे। तो तीसरा पॉइंट चर्चा किया कि इसको हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। तो उसमें ये तीन पॉइंट में देखें कि सबसे परिवर्तन की इच्छा होनी चाहिए, उसके बाद में बुद्धि को सुदृढ़ करना है, जिससे कि हम मन को मन से न देखें पर उसके पहले मन को देखें। लुक एट द माइंड बिफोर यू लुक विद द माइंड। तो बुद्धि से हम चौकन्ने जाते हैं, और इंक्लिनेशन मतलब क्या, कि जो मन की प्रवृत्ति है उसको बदलने का प्रयास करते हैं। जो bollywood.com आ रहा है बार बार, अगर भगवीता में जाएगा तो bhagavad-gita.com आ जाएगा। तो अभी हमारे मन की प्रवृत्ति जो भी हो, तो फिर भी अगर हम बार बार सकारात्मक कार्य करते रहेंगे तो सकारात्मक प्रवृत्ति आ जाएगी। और आखिरी पॉइंट जो देखा, कैसे अगर हम भक्ति करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कि केवल हम परिवर्तन करने का प्रयास नहीं कर रहे, भगवान की शक्ति के द्वारा होता है, उसके सेटिंग्स ही चेंज हो जाते हैं, एक पल में सेटिंग बदल देते हैं, बदल सकते हैं भगवान। जैसे मैंने वो विद्यार्थी बताया जो आत्महत्या करने का निकला था, पर भक्ति भगवान की भक्ति की थी उसे थोड़ी, तो क्या हो गया, तो भगवान के भगवान का आश्रय ग्रहण कर लिया, और फिर वो बच, न केवल बच गया पर वो और प्रेरित हो गया उससे, कि ही फेल्ट एनरिच्ड इंस्टेड ऑफ डिप्रेस्ड। और अगर हमको लगता है कि मेरे भक्ति के लिए समय नहीं है, तो देखना चाहिए कि हमारा मन हमारा कितना सारा समय खा रहा है, और हमारा अध्यात्म ही हमारा काम का समय लेके जाएगा, हमारा जो व्यर्थ समय है वो हमसे बचा लेगा, हमको बचाएगा, वो ले लेगा, और उससे हमको और समय आ जाएगा। तो इस तरह से हम मन को की प्रवृत्ति अगर बदल देते हैं, मन को नियंत्रित कर देते हैं, तो मन हमारा मित्र बन जाएगा, जो भी चीज़ हम जीवन में करना चाहते हैं वो और ध्यानपूर्वक और सकारात्मक पद से और यशस्वी पद से हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? यस प्लीज। आप पूछे, मैं दोहरा देता हूँ। एक मिनट, कौन आस्के कौन पूछ रहा है? अच्छा, आप ओके, ठीक है। ऐसा तो अच्छी आदत कैसे डाल सकते हैं, और कोई इसकी जो यशस्वी हुआ है वो कैसे कोई शेयर कर सकते हैं? एक बार तीन फ्रॉग्स मेंढक, वो एक तीन मेंढक जो थे वो एक कुएं के तट पे बैठे हुए थे। तो उनमें से दो मेंढकों ने फैसला किया कि वो कुएं में कूदने वाले हैं। तो कितने मेंढक बच गए? एक या तीन? हाँ, तीन। फैसला करने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। दो मेंढकों ने फैसला किया कूदना है। तो वैसे क्या है, अच्छी आदत कैसे लगाना है, करना है हमको। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आदत मतलब कोई चमत्कारिक चीज है, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जो भी हमको फैसला करना है करो,
और जैसे ही मैं बोला करना है छोटा सिंपल स्मॉल स्टेप्स उसके याद करो. तो जो हम कैसे करने लगते हैं तो करने से कई बार हमको लगता है कि मुझे जब इच्छा आ जाएगी प्रेरणा आ जाएगी उसके बाद मैं ये कार्य करूँगा. कभी कभी ऐसे हो सकता है पर अधिकांश रूप से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डेडिकेशन. इन मोटिवेशन द इमोशन कम्स बिफोर द एक्शन. इन डेडिकेशन द एक्शन कम्स बिफोर द इमोशन. मोटिवेशन मतलब क्या होता है, हम चाहते हैं कि मुझे कुछ अच्छा मेरा मोटिवेशन हाई नहीं है, मुझे कोई मोटिवेशनल टॉक सुनना है तो उसमें क्या होता है उससे हमको प्रेरणा मिलती है, भावना लगती है ये करना है मुझे, तो वो भावना आ जाती है फिर हम कुछ समय के लिए करते हैं. तो अच्छा हम सबको मोटिवेशन चाहिए पर क्या है कि हमारी भावना है वो ऐसे रिलायबल नहीं है. आज अच्छा लगता है कल उतना अच्छा लगता है. इसीलिए जो अगर हम पहले से पहले भावना चाहिए फिर मैं कार्य करूँगा सोचेंगे तो फिर कुछ समय क्या होगा कार्य रुक जाएगा. पर डेडिकेशन समर्पण का मतलब क्या है, पहले कार्य फिर भावना, मुझे लगे या न लगे मैं ये करूँगा और वो करूँगा तो उससे क्या होता है करने लगते हैं तो धीरे धीरे वो भावना भी आ जाती है. तो इसलिए हम फैसला कर ले कि करो करना है और शुरू कर देना है. डोंट थिंक टू मच जस्ट डू इट. जस्ट क्या है जो सकारात्मक कार्य करना चाहते हैं तो शुरू कर दो. और इसमें यश के बारे में कुछ अच्छी आदत है तो मैं मेरी एक सेवा है लेखक है, मैं लगभग 20-25 ग्रंथ लिखे हुए हैं. पिछले 4-5 सालों से मैं काफ़ी ट्रैवल कर रहा हूँ, पाश्चात्य देशों में वगैरह जा रहा हूँ. तो 7-8 महीने में साल में बाहर रहता हूँ. तो जैसे ट्रैवल बढ़ गया है तो मेरा राइटिंग काफ़ी कम हो गया है. तो मैं गीता डेली तो लिखता हूँ रोज़ पर मुझे बाकी और ग्रंथ लिखने हैं, बड़े लेख लिखने होते, समय नहीं मिल रहा था. तो फिर तभी मैंने फैसला किया अभी कई बार ऐसा मुझे समय मिलेगा तो मैं पूरा ग्रंथ लिख दूंगा पर वो समय मिलता ही नहीं. तो मैंने भी फैसला किया कि मैं रोज़ कम से कम 6 मिनट लिखूँगा. और 6 मिनट इतना भी कम नहीं कुछ नहीं लिख सकते हैं और इतना भी बड़ा नहीं है कि अरे 6 मिनट क्या लिखूँगा मैं ऐसा सोचना पड़ता है. तो मैं मेरा साधारण है कि 6 मिनट में कम से कम मैं 150 शब्द लिख सकता हूँ, कभी 250 शब्द लिख सकता हूँ, कभी अच्छा आइडिया होगा तो 300-350 शब्द में लिख सकता हूँ. भी वो फाइनल नहीं है पर वो कम से कुछ तो आ गया. तो जब से मैं चालू कर दिया है ये तो मैं देख रहा हूँ कि लिखते जा रहा हूँ. और फिर अभी कभी कभी होता है समय जैसे ही समय मिल जाता है मैं नॉर्मल लिखता हूँ कंप्यूटर पे, पर अभी जब भी ऐसा मिलता है अगर मैं कहीं फ्लाइट का इंतज़ार कर रहा हूँ, बोर्डिंग गेट पे बैठा हुआ खड़ा हूँ, तो तभी भी ये फ़ोन निकाल लेता हूँ और फ़ोन पे 6 मिनट लिख देता हूँ. तो जैसे ही अभी 6 मिनट की आदत डाल दी है मैंने तो क्या होता है जैसे ही समय मिल जाता है उसकी ओर कमी आ रखता हूँ मैं. तो उस तरह से हमको छोटी सी आदत अगर हम डालते हैं तो वो उसका छोटी छोटी आदतों का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है. तो हम सबको शुरुआत करनी है. तो हम विचार बहुत करते हैं, अगर अच्छा इरादा है अच्छा इच्छा अच्छा इंटेंशन है तो शुरुआत कर दो और कर देंगे तो भावनाएं आ जाएगी. ओके हरे कृष्णा. कोई और सवाल है किसी का? ओह लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ओके यस कहाँ है माइक, कहाँ है? अच्छा उधर भी माइक है. यस आफ्टर यू देयर आपके पास रखिए आप. यस बोलिए. हरे कृष्णा. या वेलकम टू यू आफ्टर यू किस 1 मिनट. हाँ बोलिए. हमारा मन जो चंचल रहता है हमारे भोजन से प्रभाव होता है क्या? हाँ हम जो अन्न लेते हैं अलग अलग अन्न में अलग अलग प्रकार के वाइब्रेशंस हम कह सकते हैं ध्वनियाँ नहीं वाइब्रेशंस होते हैं. जैसे आपको वाइब्रेशन पता क्या सटल सूक्ष्म चीज़ें होते हैं. भगवद्गीता में बताया कि कुछ अन्न होता है सत्वगुण में होता है, कुछ रजोगुण में होता है, कुछ तमोगुण में होता है. अभी अगर मान लीजिए कोई मांस खाता है तो मांस ये जो है ये हिंसा और भय से आता है. जब जानवर को मारा जा रहा है तो अधिकांश लोग जो जानवर को मारते हैं वो पहले उनको बेहोश करके नहीं मारते क्योंकि बेहोश करने को भी दवाई देनी पड़ती है, उसको खर्चा आ जाता है. तो वो नहीं करते, वो सीडेट नहीं करते, डायरेक्टली उनको मार डालते. तो क्या होता है उनको तो क्रोध आता है क्यों मुझे ये मार रहे हैं,
और भय होता है ये मुझे मार रहा है, तो वो सारा जो भावना होती है वो उस जानवर के न केवल शरीर में होती है, न केवल मन में होती है, पर शरीर में भी उसका प्रभाव आ जाता है। जैसे कि हम देखते हैं गुस्सा आ गया तो क्या हमारा हृदय और हम पैल्पिटेट करने लगता है, तो हमारी भावना का शारीरिक स्तर पर प्रभाव होता है। तो एक सूक्ष्म स्तर पर वो जो जानवर की चेतना हुई थी मृत्यु के मरने के समय, वह चेतना हमारे मन में आ जाती है। तो हम देखेंगे कि अगर हम मांस खाना कम कर देंगे, मांस खाना बंद कर देंगे, तो हमारे मन जो है विकसित होगा उतना कम हो जाएगा। तो उसी तरह से जो जितना हम सात्विक अन्न खाते हैं, ऐसा अन्न खाते हैं जो हमारे हमको ज़्यादा वासनाएं जागृत नहीं करेगा, ऐसा, तो उतना हम मन को शांत करना आसान हो जाता है। ठीक, यस, अच्छा सवाल था, बोलिए बोलिए। Is it what? Heap of memories? अच्छा, ओके। तो मन कैसे फैसला करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या वह पूर्व यादों के आधार पर है, पूर्व अनुभव के आधार पर है? हाँ, ज़रूर। अभी मन, ये शब्द जो है इसके अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, पर अभी हम कह सकते, अगर हमारे अंदर मन है और बुद्धि है, दो चीज़ें हैं, तो मन सब भावनाओं पर आता है, ये मुझे अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता है, और वो किस आधार पर होता है कि जो चीज़ उसने पहले अनुभव किया है और अच्छा लगा है, ये अच्छा है, ये पहले अनुभव किया अच्छा है या अच्छा नहीं है, तो क्या है, मन भावनाओं पर आता है। द माइंड इज अ क्रिएचर ऑफ इमोशन, द इंटेलिजेंस इज अ क्रिएचर ऑफ रीजन। वो विचार करता है, सवाल पूछता है, ध्यानपूर्वक विश्लेषण करता है। तो जो कई बार जो हमें मन को अच्छा लगता है वो केवल भावनाओं पर जा रहा है, पूर्व जो अनुभव आए हैं उसकी यादों पर जा रहा है। अभी मन कैसे, एक तरह से मन कैसे थे मैकेनिकल है। और मान लीजिए अगर हम पहले किसी साइट पर गए थे और उस साइट ने हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर दिया, पर फिर भी अगर वो साइट वो वहाँ पे हो गया है रिकॉर्ड, तो अगले बार वो साइट का नाम अपने आप आ जाएगा। अगर कोई एंटीवायरस वगैरह डाला नहीं है हमने, तो साइट तुरंत ऑटो कंप्लीट में आ जाएगा। पर अगर एंटीवायरस डाला है तो मैकेनिकली वो कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर पर एंटीवायरस बोला अलर्ट, नहीं जाओ, मत जाओ वहाँ पे। तो वैसे ही क्या है, हमारा मन केवल एक, ऐसे आपने कहा कि स्मृतियों और अनुभव, और वही स्मृति और अनुभव के पूरा नहीं, तो शराबी होता है वो, जब शराब पीता है तभी कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, पर उसके बाद में अगले दिन उठ जाता है तो हैंगओवर होता है, सरदर्द होता है। तो मन को जब अगली बार शराब पीना होता है तो हैंगओवर याद नहीं आता है, वो शराब जो पिया हुआ याद आता है। इसीलिए कि नॉट ओनली इज द माइंड अ क्रिएचर ऑफ इमोशन, बट द माइंड इज अ क्रिएचर ऑफ सिलेक्टिव इमोशन। उसको वो जो आसक्ति के अनुकूल जो भावना है वही याद रहती है, वही अनुभव याद रहते हैं, आसक्ति के प्रतिकूल जो भावना है वो याद नहीं रहती है। तो इसीलिए हमें बुद्धि को सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो मन भावनाओं के साथ कोई अच्छा है ये बुरा है कहेगा, पर हमें बुद्धि के अनुसार देखें क्या सही में अच्छा है, सही में ये बुरा है, वो जांच करेंगे तो फिर हम उचित फैसला कर पाएंगे। ठीक, यस, कहाँ है माइक, ओके, वेलकम टू यू, यस बोलिए। डिटरमिनेशन हमारा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, इस कारण से कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते किसी भी चीज़ को करने में। तो कैसे हम ज़्यादा अपने डिटरमिनेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसे हम किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं फिर वो बीच में, तो हम शुरू करते हैं पर वो बीच में रुक जाता है, तो हम हमारे दृढ़ संकल्प कैसे बनाएं कि जिससे हम कंसिस्टेंटली कर सकें, ज़िंदगी भर कर सकें। क्या है कि इवन इफ वी कांट बी कंसिस्टेंट, वी कैन बी रेजिलिएंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या, कि मैं रोज करूँगा। तो ये क्या है, अगर जैसे हमको बोलते हैं मन को आई विल डू दिस लाइफ लॉन्ग, द माइंड सेज इट इज़ टू लॉन्ग, मैं ज़िंदगी भर करूँगा, बाप रे ज़िंदगी भर, वो मन बोलेगा एक दिन भी मत करो, बहुत हो गया। तो इसलिए ज़िंदगी भर की बात ये बहुत बड़ी हो जाती है,
कभी कभी उससे प्रेरणा मिल सकती है, पर अधिकांश रूप से ज़िंदगी भर बहुत लंबा लगता है। तो इसीलिए हम ऐसे जो ध्येय है टैंजिबल ध्येय, तो कैसे बहुत बड़ा ध्येय रखते हैं तो फिर क्या होता है, हमारा मन इतना धूर्त है, और मन की बात नहीं है, मानवीय प्रवृत्ति है एक तरह से, कि अगर हम ऐसे ऐसा उद्देश्य रखते हैं कि मैं ये ज़िंदगी भर करने वाला हूँ, तो फिर क्या है, अगर हमने 6 महीने भी किया वो, तो भी क्या लगता है, 6 महीने के बाद एक दिन नहीं किया तो वी डोंट गेट अ सेंस ऑफ सक्सेस, हमको यश की भावना नहीं होती है, हमको पराजय की भावना होती है, और मन करते देखो तुम ये पूरा नहीं कर पाए, नहीं कर पाओ, छोड़ दो तुम इसको। तो पर तो इसलिए क्या है कि हम एक फाइनाइट गोल रखते हैं कि मैं ये 1 महीने के लिए ऐसे करूँगा, फिर 1 महीने के लिए अगर हम ध्यानपूर्वक करते हैं तो उसके बाद में क्या होता है, अच्छा मैंने किया ये, अरे अच्छा लगा, समझिए ये फ़ायदा हुआ, ये फ़ायदा हुआ, इतना मुश्किल भी ना कर पाया, एक और महीना करूँगा। तो भले ही उद्देश्य ज़िंदगी भर करने का हो, पर जब हम दृढ़ संकल्प लेते हैं तो ज़िंदगी भर के उस पर जोर देते हैं तो होता नहीं है। तो इसलिए फाइनाइट गोल्स एंड रिपीट दोज फाइनाइट गोल्स, इस समय के लिए करूँगा, फिर मैं देखूँगा कैसे इसका फ़ायदा हुआ मुझे, कैसे मुझे अच्छा लगा इससे, क्या क्या परिणाम हुआ इसका, और फिर एक और महीना करूँगा। और कभी अगर कोई चीज़ नहीं भी हुई तो भी ऐसे नहीं कि एक दिन अगर हार हो गई तो ऐसे नहीं कि ज़िंदगी भर का वो सारा पानी फिर गया उस पर, हमने जितने समय तक वो किया उससे फ़ायदा ही होने वाला है हमारा, जब छोड़ दिया छोड़ दिया, पुनः चालू कर सकते हैं। इसको कहते हैं रेजिलियंस, मतलब मैं गिर गया पुनः उठ जाऊँगा। मेरे एक मित्र पायलट है, वो बता रहा था मुझे कि जब कोई फ्लाइट जाता है, मान लीजिए बॉम्बे से न्यूयॉर्क फ़्लाइट जा रहा है, तो 90% समय ये फ़्लाइट ऑफ कोर्स होता है, तो फिर वो न्यूयॉर्क पहुंचता कैसे है, क्योंकि बार बार वो पायलट जो है रीओरिएंट करता है फ्लाइट को, कि फ़्लाइट की रफ्तार के कारण, उसके हवा के प्रवाह के कारण, वातावरण के कारण फ़्लाइट ऑफ कोर्स जाता है, पुनः ऑन कोर्स आ जाओ, पुनः ऑफ कोर्स जाएगा, पुनः ऑन कोर्स लेके आओ उसको। तो वैसे ही हमारा होता है, हम सीधा एक लकीर के समान नहीं जा पाएंगे, वो अधिकांश रूप से आगे चले गए, कहीं चाहते घूम रहा होगा वापस आ जाओगे, दैट इज रेजिलियंस। तो ठीक है, गुमराह हो भी गए तो खुद को पीटो मत, क्यों क्या क्यों हो गया ऐसे, नहीं इस समय तक तो मैं जा पाया, वापस नहीं जा पाऊंगा। तो ऑल वी हैव टू लर्न टू बी काइंड टू आवरसेल्व्स, खुद के प्रति हमें व्हाट इज काइंड, आप समझते काइंड, दया इज कंपैशन, आप हमें खुद के पहले खुद को प्रोत्साहन देना है, खुद को हतोत्साहित नहीं करना है। ओके ओके, यस पीछे, तो अगर हमारा मन कोई सबूत ढूंढता है, चाहता है, कहता है कि मन भगवता भगवद्गीता या भगवान लिखे इसका सबूत क्या है, इस तरह से, तो इसमें दो चीज़ें हैं, सबूत ढूंढना यह वास्तव में अच्छा है, क्योंकि क्या है, उससे हम कोई भी कुछ भी बोलेगा उसको हम विश्वास करके हम गुमराह नहीं होंगे। पर उसके साथ साथ ये भी चीज़ है कि हमें समझना है कि सबूत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग पद्धति के होते हैं। अगर मैं आपको पूछना हूँ कि अभी न्यूयॉर्क में टाइम क्या है, तो मैं बताऊँगा शायद 8:34 है अभी, और आपने बताया 8:34, मैं चेक कर सकता हूँ गूगल पे, या किसी को डेट्रॉयट में न्यूयॉर्क में फ़ोन कर सकता हूँ टाइम क्या है। तो टाइम क्या है इसका प्रूफ जो है वो एक मदद से प्राप्त होता है आपको। अगर मैं आपको पूछता हूँ क्या आपकी माँ आपसे प्रेम करती है, हाँ ऑफ कोर्स, क्या सबूत है उसका, क्या उसका सबूत है, मैं जब जाता हूँ मेरी माँ मुझसे बात करती है, अच्छे तरह से स्नेह से मैं देखभाल करती है, नहीं मुझे एक क्वांटिफायबल सबूत दिखाओ। तो उसका सबूत अलग पद्धति से होता है। तो अभी अलग अलग चीज़ों में
सबूत जो है अलग अलग पद से होता है कि वो सबूत ही है, पर जो सबूत है जिस प्रकार का, जो ऑब्जेक्टिवली जो सबूत हम दिखा सकते हैं कि यहाँ का समय ये है या मेरे शरीर का टेम्परेचर ये है, पूना का टेम्परेचर ये है, उस प्रकार का सबूत हम इसके लिए नहीं सकते कि मेरी माँ मुझसे प्रेम करती है। वो भी सत्य है और वास्तव में वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है। तो अलग अलग सत्यों के लिए अलग अलग प्रकार के सबूत होते हैं। तो अभी भगवद्गीता ये भगवान ने बोली है, इसका हम सबूत चाहते हैं, तो क्या सबूत चाहेंगे? क्या हम चाहते हैं कि भगवान हमारे सामने अभी यहाँ पे आए और भगवद्गीता बोले और तभी हमको लगेगा कि भगवान ने बताया है? तो जो ऐतिहासिक चीज़ें हुई है उनका सबूत हमेशा कैसे आता है? इन्फरेंस से आता है। इन्फरेंस मतलब व्हाट इज इन्फरेंस? देख सही, इन्फरेंस मतलब जो हम जानकारी है, जानकारी से हम एक निष्कर्ष इज कंक्लूजन, बट ओके इन्फरेंस समान है वो, तो निष्कर्ष हम निकालते हैं। तो कोई भी, अभी मान लीजिए हम कहते हैं कि ये किला इस राजा ने बनाया, तो हम हमारे आंखों के सामने नहीं देखते उसको, नहीं इसने बताया। तो अभी भगवद गीता ये कृष्ण ने बोली है ये अधिकांश ऐतिहासिक लोग स्वीकार करते हैं, हिस्टोरियंस ऑल्सो एक्सेप्ट, कृष्णा ने ही भगवद्गीता बोली है। अभी कृष्ण भगवान है यह स्वीकार करना अलग है, वो ऐतिहासिक रूप से साबित करना बड़ा मुश्किल है। कैसे साबित करेंगे आप कि कृष्ण नाम का एक व्यक्ति था? ये लगभग अधिकांश हिस्टोरियंस भी स्वीकार कर लेते हैं। द्वारका का जो रिमेन्स है हमको मिले हैं, द्वारका जितना अन्वेषण हो रहा है वहाँ पे, जो ऐसे वहाँ पे नीचे सागर में, द्वारका के बाजू में तमिल सागर में वहाँ पे सील्स मिले हुए हैं। और फिर एक वैज्ञानिक है उसके कृष्णा इज अ फैक्ट नॉट अ मिथ, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उन्होंने बड़ा उसका संशोधन किया है कि जैसे महाभारत में बताया गया था कि इस दिन यहाँ पे एक सूर्य ग्रहण हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था, तो उन्होंने आर्कियोलॉजी संबंधित है, भूतकाल में क्या हुआ उसका संशोधन किया है और देखा है कि बराबर लगभग 5000 साल पहले वो वास्तव में आसमान में वैसे ही ग्रहण हुए थे जैसे महाभारत में बताए गए। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण हमारे निष्कर्ष ये है कि अगर मान लीजिए भगवद्गीता ये इट्स अ मैनुअल फॉर लाइफ, वह ऐसा हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शन का एक ग्रंथ है, तो हम देख सकते हैं कि उसके मार्गदर्शन से मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे पास कोई डिवाइस है और ये उसका मैनुअल है, तो अभी हम कैसे बता सकते ये इसी डिवाइस का मैनुअल है, किसी और का मैनुअल नहीं है? हम देख सकते हैं कि ये मैनुअल पढ़ के ये मुझे डिवाइस जो है और अच्छे समझ में आता है, अच्छा ये बटन का ये काम है, ये ऐसे दबाया तो ऐसे होता है। तो डज द मैनुअल से हम वो डिवाइस को अच्छे से समझ सकते हैं, और दूसरा मैनुअल के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो वो डिवाइस से और अच्छा काम होता है। तो इट हेल्प्स अस मेक सेंस ऑफ द डिवाइस, इट हेल्प्स अस टू वर्क बेटर विद द डिवाइस। तो उसी तरह से हम भगवद्गीता का भी जांच कर सकते हैं कि अगर भगवद्गीता मैं पढ़ता हूँ उससे मुझे जीवन को और अच्छे से समझ सकता हूँ, मैं खुद को और अच्छे से समझ सकता हूँ, दुनिया को अच्छे से समझ सकता हूँ, और फिर भगवद्गीता में जो बताया है उसके अनुसार अगर मैं जीवन जीता हूँ तो माई लाइफ बिकम्स बेटर, मैं और शांत हो जाता हूँ और संतुष्ट हो जाता हूँ और सुखी हो जाता हूँ, मेरी जो वासनाएँ हैं कम हो जाती है और द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ इम्प्रूव्स। तो यह इस प्रकार से हमको एक प्रायोगिक सबूत हो सकता है कि ये मैन्युअल इसलिए है, ये भगवान ने दिया हुआ मैन्युअल इसलिए है क्योंकि इसके अनुसार जीने से मेरे जीवन की क्वालिटी और बढ़ सकती है। तो इसीलिए जो उचित पद्धति से सबूत है, क्या सबूत ऐतिहासिक चीज़ के लिए, क्या सबूत एक दिव्य चीज़ के लिए होगा, वो उचित प्रकार का सबूत क्या है समझ लेंगे हम, तो फिर हमको हमारे जीवन में ही भगवद्गीता की दिव्यत्व का सबूत मिल सकता है। ओके, हरे कृष्णा। यस, कोई और सवाल है? डू वी हैव टाइम? ओके, कोई और सवाल है किसका? ओके, कहाँ है माइक? जिसके पास माइक है उसका सवाल हो जाएगा। सर, स्पिरिचुअलिटी एक पाथ या वे है माइंड को कंट्रोल करने का, या कोई और ऑप्शन? या अच्छा,
स्पिरिचुअलिटी क्या इकलौता मार्ग है मन के नियंत्रण का? नहीं, अभी मन को नियंत्रण करने के लिए अनेक पद्धतियाँ हैं, पर मुझे बताया कि अध्यात्म में और खास करके भक्ति मार्ग में क्या है, उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट है। बाकी सब जो पद्धतियाँ हैं उसमें ये मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होगा। अभी आप कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे और वो बताएगी आपको, चाहे एक्सरसाइज बताएगी, आप ऐसे करो ऐसे मत करो, उससे भी फायदा हो सकता है। साइकोलॉजी के कुछ बुक्स पढ़ोगे आप, बोलेगा ऐसा करो, ऐसे विचार करो, ऐसे मत विचार करो, उससे भी फायदा हो सकता है। पर दो चीज़ें हैं, एक है मन को शांत करना, दूसरा है मन को शुद्ध करना। पैसिफिकेशन ऑफ द माइंड इज डिफरेंट फ्रॉम प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। तो हम अलग अलग पद्धतियां हैं, शास्त्र में बताया गया सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। तो सत्वगुण में जो भी चीज़ें हमको लाती है उससे भी मन शांत हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मन को शांत कर सकती है और उनका भी फायदा है, पर शांति ये केवल कुछ समय के लिए रहेगी, पुनः मन अशांत हो जाएगा। पर अगर मन शुद्ध हो जाएगा तो शांति स्थिरता से रहेगी। तो जैसे बीमारी होती है, तो बीमारी अगर किसी को हुई है, बीमारी है और दर्द है, उसको दर्द हो रहा है बहुत उसमें, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उनको एक पेन किलर देगा और कुछ दवाई भी दे देंगे। तो अभी जो पेन किलर है उससे शायद तुरंत राहत मिल जाती है, पर पेन किलर से बीमारी ठीक नहीं हो रही है। दवाई है, दवाई से ठीक होती है। अगर व्यक्ति को बहुत दर्द हो रहा है तो डॉक्टर पेन किलर भी दे सकता है, पर पेन किलर से क्या होता है, वो पेन किलर से इतना दर्द से राहत मिल जाता है कि वो दवाई अच्छे से ले सके और दवाई से वो ठीक होता है। तो जो आध्यात्म के अलावा जो भी मन को नियंत्रित करने के लिए जो मार्ग है वो सब पेन किलर के समान है। वो राहत देगी हमको, पर वो जो मन को विचलित करने का प्रधान कारण क्या है, वो केवल मेरे जीवन में समस्या आ गई है, वो समस्या आ गई है, ऐसे हो गया, वो नहीं है। वो मन में जो अशुद्धता है उस वो प्रधान कारण है। और मन को की अशुद्धता को निकालने के लिए जो परम शुद्ध भगवान है उससे संग करना, उनके साथ में जाना, उनके सानिध्य में जाना, यही सबसे अच्छा मार्ग है। तो दूसरे मार्गों से भी मन शांत हो सकता है, पर भक्ति से मन शुद्ध हो जाएगा। ओके, आंसर योर क्वेश्चन। ओके, बाजू में एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन दे देंगे, वी कैन टॉक आफ्टरवर्ड्स। हाँ बोलिए। हाँ, तो हम यहाँ मन की बात कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन और डिस्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं दिन में 3 घंटे काम करता हूँ और बाकी 3 घंटे मूवीज देखता हूँ, ठीक है। तो जो मैंने 3 घंटे मूवीज देखे उसके वजह से मेरे काम में डिस्टर्बेंस होगा, तो मुझे 3 घंटे का काम 4 घंटे या मोर देन दैट लगेगा, ठीक है। तो अभी आपने बोला कि टाइम को भगवान की भक्ति में लगाओ, है ना। तो लेट्स से मैं 3 घंटे जो मूवीज देखता था उसमें से मैंने 2 घंटे भगवान की पूजा में लगा दी और 1 घंटे मूवीज देख रहा हूँ एज यूजुअल। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो मैं 3 घंटे काम कर रहा हूँ उसमें मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है उस भक्ति की वजह से, मैं उस 3 घंटे काम करने के टाइम भी भगवान के बारे में सोच रहा हूँ, तो इफेक्ट वही है। ओके, अच्छी बात है। अगर हमें भक्ति करते थे तो भक्ति से भी शायद हमारे काम में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। हम भक्ति के समय भगवान के बारे में विचार करते रहेंगे। अभी भक्ति की परिभाषा क्या है हमें समझना चाहिए। अगर कोई सोचता है कि भक्ति परिभाषा यही है कि मैं कुछ मंदिर में आके सत्संग करूँ या कुछ जप करूँ या भगवद्गीता का अध्ययन करूँ और वो भक्ति है और बाकी सब मेरे दूसरे कार्य, ऐसा सोचते हैं, तो वो जो है भक्ति की परिभाषा पूर्ण नहीं है। भक्ति इज नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, भक्ति इज अ वे ऑफ लाइफ, भक्ति इज अ कॉन्शियसनेस दैट परमिएट्स आवर एंटायर लाइफ। भगवद्गीता में भगवान बताते हैं कि भक्ति जो है ये एक जीवन शैली है, ये एक चेतना है, ये हमारे जीवन के सारे अंगों में आ जाती है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर हम काम भी कर रहे हैं तो एक तरह से भाई दूसरे कहते हैं ये भक्ति है, ये मेरा काम है, पर जब हम भक्ति की चेतना अंतरंग कर देते हैं, अंतरंग कर लेते हैं हमारे में, तो हमारा काम भी एक भगवान की भक्ति के रूप में हम करते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव, भगवद्गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि
आप आपका कर्म एक पूजा के रूप में करो। कुछ लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है, यह भगवद्गीता नहीं कह रही, भगवद्गीता कह रहे कि कर्म पूजा के रूप में करो। अगर कर्म ही पूजा है तो फिर गधा सबसे बड़ा पुजारी बन जाएगा। तो कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म को पूजा बनाना है। कैसे? हमारी एक सेवा की, एक भक्ति की चेतना लाके। तो अगर हम वो समझते हैं कि ये काम भी कर रहा हूँ, ये भगवान की सेवा के लिए मैं कर रहा हूँ, तो फिर हम वास्तव में भगवान का स्मरण करेंगे तो उससे उस काम को ज़्यादा ध्यान देंगे। भक्ति में चेतना में क्या होता है, वॉट, तो हमारी चेतना क्या होती है कि वॉट आई एम इज कृष्णाज गिफ्ट टू मी, वॉट आई बिकम इज माई गिफ्ट टू कृष्णा। मैं जो हूँ ये भगवान की मुझे दी हुई भेंट है, और मैं जो बनता हूँ वो मैं भगवान को भेंट दे रहा हूँ। इस भाव से अगर हम कार्य करते हैं तो हमारा जो काम भी है हम भक्ति में भाव से करेंगे, और फिर हम वास्तव में और जिम्मेदारी से करेंगे। हम पहले हमारे किसी भौतिक ज़रूरत है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, इसलिए काम कर रहे हैं, या हमारा अहंकार है मुझे दिखाना है मैं कितना बड़ा, कितना अच्छा हूँ, कितना यशस्वी हूँ, उसके लिए कर रहे हैं। पर जब भक्ति भाव से करते हैं वो और ऊंचा उद्देश्य हो जाता है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ ये, मैं ये दुनिया को दिखा जाता हूँ कि धार्मिक व्यक्ति होता है वो भी भौतिक जगत में यशस्वी हो सकता है। मैं धर्म के गुणगान के लिए, धर्म की प्रस्थापना के लिए कर रहा हूँ। जितना हमारा ऊंचा उद्देश्य हो जाएगा उतनी हमारी ऊंचा ऊंची प्रेरणा भी हो जाएगी, और उससे हम वो कार्य अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम भगवान का स्मरण, मतलब सोच रहे हैं कि काम में ध्यान न देना और भगवान का स्मरण करना, वो भगवान के स्मरण का उचित परिभाषा नहीं है। भगवान का स्मरण किस तरह से होता है कि भगवान की सेवा के भाव से होता है। तो ठीक है, वही भगवान को मैं यहाँ पर सेवा करना चाहता हूँ। तो अर्जुन वो भगवान के भक्त थे, पर उसके साथ साथ धनुर्विद्या में निपुण थे, और जब धनुर्विद्या में उनको निशाना दिखता था, सिर्फ निशाना दिखता था, उनको पूरा ध्यान उसी में था। उनका उद्देश्य था कि मैं धनुर्विद्या सीख रहा हूँ ताकि मैं धर्म की प्रस्थापना में मदद कर सकूँ। पर जब वो धनुर्विद्या सीख रहे थे पूरा ध्यान उसी में था उनका। तो उसी तरह से भक्ति के द्वारा हमारा वास्तव में डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन और बढ़ जाएगा, क्योंकि वी विल गेट अ हायर पर्पज फॉर आवर एब्जॉर्प्शन। हमारे काम में जो हम लीन हो जाएगा, मग्न हो जाएंगे, उसके लिए हमें और ऊंचा उद्देश्य मिलेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की, गौर भक्तवृंद की, गौर प्रेमानंदे।